Now I request our Vice President CA Vivek Banka ji kindly escort our Speaker CA Anil Singhvi ji, and also I request CA Amit Agarwal kindly escorts our Speaker Vikas Sethi ji. Please switch off your mobile or put in your silent mode. सर ये आज जो ये हाउस फुल है, सर ये आज जो हाउस फुल है सब आपके क्रेजी हैं, और आपकी बात सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. थैंक यू. मैं जान रहा हूं कि आप लोग हमारे दो स्टार स्पीकर हैं, सीए अनिल सिंघवी सर एंड विकास सेट्टी सर, उनकी बातों को सुनने के लिए आए हैं, और आज कोई कसर भी बाकी नहीं रहेगी, आपका सारा एक्साइटमेंट पूरा होगा. आज जो है अनिल सिंघवी सर डायरेक्ट आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, कोई भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी मन में क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं. नाउ आई रिक्वेस्ट आवर वाइस प्रेसिडेंट सी ए विवेक बंका जी काइंडली इंट्रोड्यूस आवर स्पीकर सी ए अनिल सिंघवी सर एंड विकास सेट्टी सर. थैंक यू. Thank you, President. First of all, I would like to read out the profile of CA Anil Singhvi. Anil Singhvi is a commerce graduate with professional qualification of CA and CS, having over 26 years of diversified experience of working with the leaders in media and financial service market. He is heading the D Business, a leading Hindi business channel, as managing editor, which is a part of India's largest media group, Zee Media. In his short term, he has helped the channel in becoming the number one business channel in India. His positive attitude, friendly and informal way of communicating, which is easy to understand, unbiased view of about the stock market that is supported by the knowledge that is carried with him, has helped the channel Zee Business to scale the new heights. Further, his profile will be displayed via a short video. ये सब डरते क्यों है एक्सचेंज से? एक्सचेंज को आप लोग फीस दे रहे हैं. बिल्कुल. अगर एक्सचेंज आपको सर्विसेज दे रहा तो कोई एहसान नहीं कर रहा आप लोगों को. कोरोना जैसी सिचुएशन न पहले कभी हुई लाइफ में, एक बार आपको देखने को मिलती है, क्या आप उसका इस तरह से फायदा उठाएंगे? इस वक्त आप दाम बढ़ाकर बहुत गलत कर रहे हैं. फिर HUL में H तो गायब ही है, आप में हिंदुस्तान वाली फीलिंग नहीं है. 50 लाख की डिपॉजिट करवाइए किसी बैंक में तो मुझे 50 लाख का इंश्योरेंस मिले. 1 लाख रुपए ये RBI कौन है डिसाइड करने वाला? इंश्योरेंस कवर फॉर अ डिपॉजिटर, नाउ वी आर रेसिंग इट टू 5 लाख. बिजनेस चैनल के इतिहास में आज सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है. आपकी मेहनत की कमाई को लूटने का धंधा जोरों से चल रहा है. यहाँ छोटे लोन देने वाली कंपनियों की गुंडागर्दी लॉकडाउन के सभी नियमों और निर्देशों की धज्जियां उड़ा रही है. नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, हिंदी में समझ में नहीं आता है उनको, इंग्लिश में नो 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 नो. ऐसा ना हो कि लोगों को खून के आंसू पीने पड़े. पिछले 10 दिनों से नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, ठोक ठोक के बोला, चिल्ला चिल्ला के बोला, पूरे 25 साल की इज्जत को दांव पे लगा के बोला. अनिल सिंघवी एक ऐसा नाम जिन पर भरोसा करते हैं करोड़ों लोग. एक मंझे हुए बिजनेस जर्नलिस्ट होने के साथ साथ अनिल सिंघवी CA और CS भी हैं, और रुपए पैसे सरकारी खजाने आर्थिक नीतियों के साथ बाजार के हर दांव पेंच को बखूबी समझते हैं. जब बात हो आम निवेशक और कंज्यूमर के हक की तो अनिल सिंघवी के तीखे सवालों से सरकार और मंत्री भी नहीं बच पाते. अनिल सिंघवी के स्टाइल ने बिजनेस जर्नलिज्म का चेहरा ही बदल दिया. कठिन से कठिन शब्दों को आसान भाषा में समझाकर न सिर्फ बिजनेस चैनल्स को आम लोगों के घर तक पहुंचाया, बल्कि दर्शकों को एकजुट और एम्पावर किया. उन्हें सिर्फ एक दिग्गज एंकर या एडिटर नहीं बल्कि एक दोस्त और फैमिली मेंबर का दर्जा मिला है, और इसीलिए अनिल सिंघवी ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो होने वाले बिजनेस जर्नलिस्ट हैं. इज द बेस्ट एंकर यार, हिंदी में इतना अच्छा कोई करने वाला है नहीं. आप इनको आधा घंटे का टाइम दो, कैमरा दो और देखो फिर क्या निकालते हैं वो पत्थरों से हीरा निकालते हैं वो. बहुत ही बढ़िया इंसान है जी, और वो भी क्योंकि दिल से बोलते तब है जब दूसरा आदमी भी दिल से बोलने वालों को अप्रिशिएट करे और अपने आप उस टाइप का हो. फ्री बिजनेस में आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस करेंगे,
और जैसे आप खुद ही बोल रहे थे ना कि लोगों को लेके आएंगे बल्कि उनको पैसा कमाने में बहुत भरपूर मदद करेंगे। Mr. Sanjeev will be very happy to see a very experienced face now. अनिल जी आप बहुत ही सही हैं और मैं कहूँगा कि जो कॉमन रिटेल इन्वेस्टर है उसके बिहाफ पे आप बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बात पकड़ के लाते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सर। साधुवाद। पहले तो आप मुझे अनिल भाई बहुत प्यारे लगते हैं आप, और आप जो बोलते हैं वो ब्रेकिंग न्यूज हो जाता है जी। बिजनेस चैनल्स में नंबर वन बनकर के उभरा है आपके उस प्रचंड पुरुषार्थ के लिए और आपके लोग के प्रति जी, बिजनेस के प्रति जो लोगों का विश्वास है और सभी आपके निष्ठावान, आपके ऊपर जो फेथ करते हैं, आप पर जो ट्रस्ट करते हैं, उन आपके दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम और बधाई। फ्रेंड्स, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लाउज फॉर अनिल सिंघवी। नाउ आई रिक्वेस्ट ये नितेश मौर्य जी टू कम फॉरवर्ड एंड ऑफर ए फ्लावर बुकेट टू अनिल सिंघवी जी। थैंक यू नितेश जी। नाउ आई वुड लाइक टू रीड आउट द प्रोफाइल ऑफ विकास सेट्ठी जी। विकास सेट्ठी ए वेल नोन फेस इन द इंडियन कैपिटल मार्केट, इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सेट्ठी फिनमार्क प्राइवेट लिमिटेड, ए रेपुटेड स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी हैविंग मेंबरशिप ऑफ NSE, MCX एंड CDSL। आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड हिज MBA इन फिनांस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, ही वेंट टू द प्रेस्टिजियस लंदन बिजनेस स्कूल, rated among the top 3 business school in the world, and got the coveted master's in finance degree. Further, his profile is being shown in the screen. Now, friends, please give a big round of applause for the Vikas Sethi. Now, I will request CA Ashok Agarwal to come forward and offer a bouquet to Vikas Sethi. Thank you, Ashok ji. I also recognize the presence of additional RD Dalmia sir. Now I request Anil Saraogi ji, please come forward and offer the bouquet to Dalmia sir. Thank you, Anil Saraogi ji. Now I request Anil Sanghvi ji, please start your deliberation on capital markets. Sir, jaisi ichha ho sir, yahan se wahan se. Nahi, yahan theek hai. आप सभी को नमस्कार। जिस दिन मार्केट बंद हो उस दिन गुड मॉर्निंग कहा जा सकता है, आजकल तो माहौल ऐसा ही है। नितेश जी ने जब मुझे इनवाइट किया और कहा कि भाषण देना है, मैंने कहा यही तो काम नहीं आता, बाकी और कुछ करना है तो बताइए। आज डिसाइड मैंने ये किया है, आप सब लोग इतना प्यार देते हैं, अपनी ज़िंदगी का वो समय आप मुझे देते हैं जो वापस कभी लौट कर नहीं आ सकता आपके पास। आप कितना ही पैसा खर्च करें, आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा आप जो मुझे देते हैं, और मैं जानता हूँ आप मुझसे मिलने यहाँ आए हैं। मेरी भी ये इच्छा है कि रोज़ बोलने कहने का काम मैं करता ही हूँ, आप सुनते हैं, आज मैं आप लोगों को सुनना चाहता हूँ। आप क्या सोचते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं? मुझे तो जो कहना है मैं कह ही दूंगा, कह के चले जाऊंगा, लेकिन जब मैं कॉन्फ्रेंसेज में जाता हूं, सेमिनार्स में जाता हूं, पब्लिक गैदरिंग में होता हूं, तो मैं ये सोचता हूं कि ये तो पता चले कि जो लोग रोज मुझे इतना प्यार देते हैं वो क्या सोचते हैं, क्या जानना चाहते हैं। तो आज मैं ये चाहूंगा
कि आप ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछें, जो भी आप जानना चाहें मार्केट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, बिजनेस के बारे में। वैसे टूटी फूटी एडवाइस मैं हर चीज पे दे सकता हूं, आपकी लव लाइफ पर, आपके पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम्स है वो भी अगर आप चाहें तो पूछ सकते हैं, मुझे पता है नहीं पूछेंगे इसलिए मैं कहता हूं। आमतौर पर जब मैं कॉन्फ्रेंसेज में जाता हूं तो यही पूछते हैं कि सबसे बड़ा सबका सवाल मुश्किल से दो तीन ही होता, ज्यादा आपको जानना भी नहीं होता, मुझे मालूम है कि इतना ही जानना चाहते हैं मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, राइट? यही जानना है ना, कब लेना है, कितना लेना है, क्या लेना है और बेचना कब है, ये भी सब अभी बता दो, अकाउंट नंबर ही दे दो आपका, सीधे ट्रांसफर ही हो जाएंगे, आजकल तो डिजिटल पेमेंट है। और मेरे लिए एक बड़ा आसान सा काम है जब ये पूछते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन बताइए, तो मुझे लगता है कि ये काम 10 सेकंड में भी किया जा सकता है और 2 घंटे कर दें तो भी कम है, क्योंकि हम टीवी में हैं तो टीवी में टाइम की लिमिटेशंस होती है, तो अगर 10 सेकंड में बताना है तो बता देंगे ऊपर जाएगा या नीचे, सिंपल आंसर हो गया, और नहीं तो हम ऐसी जलेबी बनाएंगे आप देखते रह जाएंगे और वापस जब पूरा प्रोग्राम खत्म हो पता चले अरे हम तो वहीं के वहीं हैं जहां थे। आप में से कितने लोगों को लगता है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, हाथ खड़ा कीजिए, देखें ये तो हाथ खड़ा करने के पहले सवाल पूछना था ना, टाइम पे डिपेंड करता है, तो बाकी लोगों को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, राइट? तो मैं अपना जजमेंट दे दूं, मुझे ऐसा लगता है 50% चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। देखिए फॉर्मूला वही काम आएगा जो हमेशा काम आता है, इंसान हो या निफ्टी, अंत में जाना ऊपर ही है। इसीलिए हर बार कहता हूं कि आपको एक ही काम करना है, जब तक निफ्टी ऊपर न जाए तब तक अपने ऊपर नहीं जाना है। हेल्थ का ध्यान रखेंगे, वेल्थ अपने आप बनेगी। अब तक 14 रिसेशन आए अमेरिका में टोटल, और हर एक रिसेशन के बाद जो बुलरन बना है वो पिछली बार से ज्यादा वाला था। क्या आपको किसी को ऐसा लगता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा? नहीं ना। अगर 14 बार इतिहास ने अपने आप को दोहराया है तो 15वीं बार क्यों नहीं? फर्क सिर्फ इतना है कि 15वीं बार आपकी चिंता है, 14 बार पहले आपको चिंता नहीं थी। वो कहते हैं ना कि आजकल बीच में सेठी साहब बड़ा वो व्हाट्सएप पे चला था कि पहले मैं बड़ा, मेरी जिंदगी बड़ी सुकून से निकल रही थी, आराम से निकल रही थी, फिर मैंने एक डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, उसके बाद मुझे रशिया, यूक्रेन, शी जिनपिंग, बाइडन, GDP नंबर्स, IIP नंबर्स, इन्फ्लेशन, FIs, DIs सबकी टेंशन होने लगी। उसके बाद मुझे पता लगा कि मेरी जिंदगी में कितने बड़े बड़े काम हैं जो मैं अब तक नहीं कर रहा था। लाइफ है, चलती रहेगी। पॉइंट सिंपल है कि अब हम ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट है, दुनिया से जुड़े हुए हैं, अलग थलग नहीं रह सकते। और जब अलग अलग नहीं रह सकते तो फिर दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर तो हमारे यहां पड़ेगा ही, राइट? कम पड़ेगा या ज्यादा पड़ेगा, और जो असर पड़ेगा उसमें हमें उसे कैसे डील करना है, दैट्स व्हाट वी हैव टू डिसाइड, सिंपल। सो माय सिंपल पॉइंट इज दैट इफ सेंसेक्स स्टार्टेड फ्रॉम 100 पॉइंट्स एंड टुडे वी आर एट 55,000, इन 42-43 ईयर्स 550 टाइम्स, दिस इज व्हाट द स्टोरी इज। अगर आपने सिंपली सेंसेक्स में पैसा लगाया तो भी आपका 42 साल में 550 गुना होता है, राइट? 1979 से निफ्टी है आपका, 1000 का निफ्टी आज कितना है, कितना है एग्जैक्ट बताइए, किसको पता है? ये तो मुझे भी पता पड़ा है। हाँ, ये सबसे बड़े पेशेंट है मेरे जिनको एग्जैक्ट लेवल पता है, कल काम बंद हुआ था, ये इंतजार कर रहे हैं सोमवार सुबह का, मुझे पता चल जाता है देख के शक्ल से।
किसके कितने मार्क टू मार्केट लॉसेज हैं। अच्छा भाई देखो, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, एक बार मैं आज से, आप ज्यादातर सीए ही है ना सर? सारे सीए। ओके, मेरे भाई लोग हैं सब। एक बार मैं मुंबई में, 10-12-15 साल पहले की बात होगी, जब मैं सीएनबीसी में था, एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गया और वहाँ पर जो ऑफिसर थे बड़ी फाइलें वाइलें खोल के बैठे हुए थे ऐसे, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखे एक साथ इतने सारे। उस जमाने वो फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नोट्स का जमाना था। मैंने ऐसे ही पूछ लिया क्यूरियोसिटी से, मैंने कहा कि कोई बड़े आदमी की फाइल है मार्केट वाले की, किसकी देख रहे हैं हम? तो बोले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की है। मैंने कहा वाह गजब, सीए की? बोला हाँ, एक प्रैक्टिसिंग सीए, उसका रिटर्न है, मैं चेक कर रहा था। बहुत पैसा बनाया होगा? बोले क्या मजाक कर रहे हो? अरे मैंने कहा भाई सीए है, पैसा बनाएगा, समझदार होता है, अपने आप को सीए और समझदार मानता था मैं। उन्होंने एक जवाब दिया, वो बड़ा आई ओपनर एक्चुअली, और हम सबके लिए और ज्यादातर के लिए फिट होता है, मैं एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। ही सेड, अनिल मुझे अभी तक ऐसा एक सीए मिला नहीं है जिसके रिटर्न में बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट की कमाई हो। मोस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर मेकिंग लॉसेस एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने क्यों? पहले देखो, सीए लोगों के साथ दो तीन प्रॉब्लम है। पहली तो ये कि वो जानते नहीं, मतलब वो मानते हैं कि उनको सब आता है, और स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, इकोनॉमी, उसके बारे में उनको किसी से पूछने की, समझने की, जानने की जरूरत नहीं है। दे themselves आर एक्सपर्ट, दे डोंट नीड anyone's एडवाइस। मगर फेयर इनफ, हम भी मानते कि दूसरों से के मुकाबले में तो ज़्यादा जानते हैं। बोले हाँ, दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा जानते हैं, बट ऐसा नहीं कि सब कुछ जानते हैं। सेकेंडली, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी वन वॉट दे आर डूइंग, राइट? सो इफ यू आर मेकिंग लॉसेज इन योर अकाउंट, यू आर नॉट आंसरेबल टू योर क्लाइंट्स, राइट? एंड योर वाइफ कैन नेवर आस्क यू वॉट यू डिड। फोन पे लगे हैं, सौदे कर रहे हैं, वाइफ को लगता है दुनिया भर का बड़ा काम कर रहे हैं, है ना? इतने लाख का ले ले, इतने लाख का, वो बहुत बिजी है, डिस्टर्ब मत करो, एक आध सौदा गलत हो गया तो मेरे ऊपर आ जाएगा वो। तो यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हेन यू हैव ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सो इफ द मनी इज कमिंग फ्रॉम सम अदर एक्टिविटीज, इट्स गोइंग इन सम अदर डायरेक्शन, यू आर नॉट बॉदर्ड, करेक्ट? तो अगर आपके क्लाइंट से फीस आ रही है, सब आ रहा है, आपका कोई ऑल्टरनेट बिजनेस चल रहा है और वो पैसा आपका दूसरी तरफ जा रहा है, सैलरी वगैरह तो सब सीए लोगों की अच्छी होती है, तो वो जा रहा है, तो फिर आपको है ना पता नहीं चलता इधर से आ रहा है इधर जा रहा है। एंड आई एम श्योर इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज ट्रू, बिकॉज वी फील दैट वी कैन मेक क्विक मनी, राइट? तो 2020 के बाद तो लोगों ने स्टॉक मार्केट की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहां बिना मेहनत के, पहला तो यही चीज है, बिना मेहनत के 9:15 से 3:30, और जो लोग सुबह 8 बजे उठ के शो देखते हैं मेरा, उनको लगता है वो मेहनत कर रहे हैं। मार्केट खुलने के पहले 1.25 घंटे अनिल जी को सुन रहे हैं, मेहनत का ही काम है, इनको सुन रहे हैं, इनको झेल रहे हैं। 9:15 से 3:30 काम कर लिया, तो पहली कंडीशन बिना मेहनत के, दूसरा बहुत कम समय में, अभी लिया दोपहर में बेचना, आज लिया कल बेचना, इस हफ्ते लिया अगले हफ्ते बेचना है, बिना मेहनत के बहुत कम समय में बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ स्टॉक मार्केट नाउअडेज, विच इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर अर्निंग मनी कंटिन्यूसली। हो सकता है एक आध दिन बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर सब इसी तरह से पैसा बनना होता तो हिंदुस्तान के सारे कॉरपोरेट्स, इंडस्ट्रीज बेवकूफ थोड़ी हैं जो इतने बड़े बड़े प्लांट लगा रहे हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेसेस सेटअप कर रहे हैं, राइट? हमारे से ज़्यादा पैसा, दिमाग, अक्ल, एक्सपीरियंस उनमें है, वो भी यही कर लेते। सो जब जब भी आपका कॉन्फिडेंस हिलता है मार्केट को लेकर, जो कि आपका इस वक्त हिला हुआ है ना, हिला हुआ है ना, है तो है, उसमें क्या है, कितने लोगों को डर लग रहा है? अच्छा 10-12 को लग रहा है, बाकी तो डर के मारे बोल भी नहीं पा रहे हैं।
देखो मैं ये तो नहीं कह सकता आपको कि मार्केट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, कब से जाएगा कब नहीं जाएगा वो तो पता नहीं, इतना कह सकता हूं कि मार्केट बंद नहीं होगा, आज तक हुआ नहीं है, और अगर बंद नहीं होगा मार्केट चलता रहेगा तो आपकी जिंदगी में जो लेवल आप सोचते हैं वो आ जाएंगे। पेशेंस चाहिए, ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स के साथ अब मैं आपको थोड़ा सा लोकल पर्सपेक्टिव देता हूं कि क्यों आपको नहीं डरना है। पहली चीज तो यह है कि आज ग्लोबली आप देखें तो सबसे बेस्ट पोजीशन इस वक्त है वो हमारा खुद का देश हिंदुस्तान। हमारी इकोनॉमी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, आई थिंक अमंग टॉप थ्री, एक दो छोटे मोटे हैं वो हमारे से आगे हैं, बट साइजेबल इकोनॉमी में तो हम फास्टेस्ट हैं। 130-140 करोड़ कंज्यूमर्स आपके पास है रेडिली अवेलेबल मार्केट, इतने कंज्यूमर्स अगर यूरोप में चाहिए तो आपको 20-25 देश इकट्ठा करने के भी बाद भी नहीं मिलेंगे, करेक्ट। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक क्या ऐसी चीजें जो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करनी हो चाहे हमको उगानी हो। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चीज ऐसी चाहिए ही चाहिए जो इंपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती। हमारे पास वो पावर है, अगर हम अपनी पे आ जाएं तो हम एक पैसे का इंपोर्ट किए बगैर कम या ज्यादा में काम चला लेंगे, करेक्ट। सो हमारे पास वो सब कुछ है जो किसी एक देश को बहुत बड़ा बनने के लिए और बहुत आगे जाने के लिए चाहिए। कमी है तो सिर्फ एक चीज की, हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता कि आप हर वक्त भाव देखते हैं और मेरा चैनल देखते हैं, आपको लगता है आप नीचे जा रहे। देखिए ये होगा, जब भी मार्केट खराब होगा लोग बोलेंगे और नीचे और नीचे और नीचे, जब भी अच्छा होगा तब और अच्छा और अच्छा, वो एक कॉमन मेंटेलिटी है। लेकिन जो कुछ इंडिया में हो रहा है इस वक्त वो बहुत गेम चेंजिंग है, और इसलिए हाल ही में मैंने शायद पिछले हफ्ते की बात मैंने एक वीडियो भी डाला था, सचिव साहब आशु जी बोल रहे थे तभी मैंने बात किया था शायद, है ना, आशु जी को जवाब दिया था मैंने 3:30 बजे, और दैट वॉज कम्प्लीटली एक्सटेम्पो, दिल में आया। और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन जो होगी हमारे बाद वाली, वो इंडिया का सबसे बेस्ट टाइम देखेगी अब तक का, क्योंकि अगले 20-25 साल हमारे बहुत स्ट्रांग जाने वाले हैं। और मैं ऐसे ही खाली आपको अच्छा लगे और आप मेरे लिए अच्छा बोलो, मैं इसलिए नहीं बोलता, अगर मुझे खराब लगता तो मैं, आपने अभी वीडियो देखा होगा, लगभग कोई तो बचा नहीं जिसको मैंने खराब ना बोला हो, मौका लगता है तो मैं बोलता भी हूं, लेकिन मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूं कि वी आर इन सच अ स्वीट स्पॉट दैट नेक्स्ट 10-15-20 ईयर्स बिलोंग्स टू इंडिया अनडाउटेडली। हमको अपने आप पे भरोसा रखने की जरूरत है, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में पैसा लगाइए, पोर्टफोलियो आप थोड़ा सा प्रॉपरली मैनेज कर लीजिए, खराब हो गया डर लगता है 4-6 महीने मत देखिए, साल भर मत देखिए, SIP बढ़ा दीजिए और लगता है कि गले गले तक फंसे हैं। सिर्फ प्रॉब्लम एक ही जगह आएगी जो ये आज की नहीं है, ये प्रॉब्लम तो तेजी के मार्केट में भी आएगी और मंदी के मार्केट में भी आएगी, वो है लीवरेज पोजीशंस को लेकर। तो अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस हैं लीवरेज पोजीशंस है, FNO में है, तो आपको स्टॉप लॉसेस रखने ही चाहिए, और अगर आपकी पोजीशंस इन्वेस्टमेंट के तौर पर स्टॉक्स में है तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि जो आपने बताया अभी 15,293 यही बोला था ना सर कि वो बॉटम है, ऐसा नहीं है, मार्केट नीचे जा सकता है जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं, हम थोड़ा और खराब होगा भी, लेकिन सोच लीजिए कि मुझे अभी 2-3 साल देखना नहीं है, पैसा नहीं चाहिए, मैं आराम से बैठा हूँ शांति से बैठा हूँ, आपको डेफिनेटली जो पैसा इस स्टॉक मार्केट से बनेगा वो किसी दूसरे एसेट क्लास में आ नहीं सकता, ये आपका कंफर्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और अगर वो है तो आई एम श्योर। बाकी रोज आप मुझे सुनते हैं, रोज हर चीज पे मैं बात करता हूँ, नया कुछ ऐसा बताने के लिए नहीं है, खाली एक बूस्टर डोज देना था आपको जो मैंने दे दिया।
अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे सवाल पूछिए. आई थिंक वी शुड ओपन द फोरम फॉर क्वेश्चंस एंड आंसर. आपको जो भी एक खाली एक ही रिक्वेस्ट है कि स्टॉक्स का छोड़ दीजिए. स्टॉक्स को छोड़ के आपके कोई भी सवाल है आप प्लीज़ पूछिए. आई एम रेडी टू आंसर टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज जो भी सवाल. पानी जी. हाउ डिड बिजनेस जर्नलिज्म कम? इट्स अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी बट आई विल कट इट शॉर्ट. सीए करने के बाद जर्नलिज्म में कैसे आ गया? एक ही शब्द में जवाब उसका है, गलती से. सो हुआ ये कि मैं किसी कंपनी में कैपिटल मार्केट रिलेटेड जॉब्स में था और वहाँ सब अंग्रेजी बोलने वाले थे. अपने तो राजस्थान से सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, वाइट शर्ट खाकी पैंट, इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं थी, आज भी नहीं आती है. तो क्या था कि कभी कभी वो टीवी वाले इंटरव्यू लेने आते तो हिंदी इंग्लिश वाले तो बोलने वाले हमारे मुंबई के बहुत सारे हमारे ऑफिस कलीग्स होते थे. हिंदी वाला कोई आ गया आज तक वगैरह ये ऐसा, तो अनिल को बोल दो यार ये बोल देगा. सो एक आध बार ऐसे ही मैंने कभी कोई आईपीओ आईएसपीओ पे अपनी ओपिनियन रखी है. मैं राजस्थान गया नेटिव प्लेस पे तो मेरे नेबर ने बोला कि आपके बोलने पे मैंने ये कर दिया वो कर दिया. मैंने कहा मैंने कब बोला? बोले आपको देखा था टीवी पर. देन आई रियलाइज इट्स अ बिग मीडियम और एडवाइजरी लोगों को बिना मांगे राय देने वाला हम रायचंद जी है ना सब लोग हिंदुस्तान में. तो बड़ा शौक था शुरू से, तो सोचा कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो तो और मज़ा है. इंसिडेंटली 2005 में CNBC वॉज अबाउट टू लॉन्च ए चैनल, हिंदी वाला चैनल आ रहा था इंग्लिश के बाद. और फ्रेंकली मुझे कुछ ABCD आती नहीं, ना मैंने मीडिया पढ़ा है ना जर्नलिज्म पढ़ा है ना मास कम्युनिकेशन, आज तक नहीं पढ़ा. तो किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू पता चला कि चैनल लॉन्च हो रहा है. मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं. गया मैंने ऑडिशन दिए 2-3 बार और यकीन मानिए मेरे ऑडिशन इतने जबरदस्त वाले गंदे थे. मतलब मुझे कोई वापस बुलाए मैं जाऊँ ना, मतलब मैं मुझे कोई ऐसा दे मैं उसे बुलाऊँ ना. 2-3 ऑडिशन हुए, फिर उन्होंने मेरी मार्केट की नॉलेज वाले टेस्ट की कर रही, पता नहीं उन्होंने भगवान जाने क्या देखा, या तो उनको कोई मिल नहीं रहा था. ऑनेस्टली जर्नलिस्ट मिलता तो उसको हिंदी नहीं आती, हिंदी आती तो मार्केट की समझ नहीं, मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन मिल नहीं, तो मेरे पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया फिर उन्होंने. अच्छा मैं जितना पैसा ऐसा सैलरी वैलरी कमा रहा था उसका 50% सैलरी में गया मैं. बोनस तो मेरे ऑलमोस्ट 3 times ऑफ सैलरी हुआ करते थे उसमें. सो आई थॉट कि 4-5 साल का तो पैसा है अपने पास, नहीं चली दुकानदारी तो वापस आ जाएंगे, CA कमा ही लेंगे, कहीं भी खड़े होंगे तो क्या दिक्कत है. तो वो कॉन्फिडेंस था डिग्री का. एंड देन आई स्टार्टेड एंड everyone was asking me, my wife, my close friends, are you sure you want to do this? You don't know anything, you are taking a such a plunge in salary and you are going there. Yeah, try करते हैं क्या है. सो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी फ्रेंकली कि 3-4 इंटरव्यू हो गए, सब हो गए, इनको पता है मुझे कुछ आता नहीं, मैंने इतने गंदे ऑडिशन दिए ये भी इनको पता है. सो मैंने दो ही चीज़ सोची, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ. मैंने कहा देखो ये बहुत समझदार लोग हैं, इनको तो इनका बिजनेस आता है ना, मुझे नहीं आता तो क्या हुआ, इनको तो पता है ना टीवी कैसे चलाया जाता है, कैसे लोग चाहिए, ये समझदार लोग हैं, समझ के मुझे ले रहे तो ठीक हो जाएगा काम. दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ये लोग बड़े बेवकूफ़ हैं जो बिना सोचे समझे मुझे ले रहे जिसे कुछ नहीं आता, तो इसका मतलब मैं ज़्यादा समझदार हूँ तो मैं चला लूँगा. सो इन आइदर केस आई विल बी द विनर एंड हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू. एक जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है जो मैंने पढ़ाई नहीं की उसका ये फ़ायदा है कि मेरे पीछे मेरे कोई बैगेज नहीं है, मेरी कोई थॉट प्रोसेस नहीं कि टीवी ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए. मैं जब मैं शो करता हूँ, जब मैं कोई भी एनालिसिस करता हूँ तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ मैं यहाँ बैठा हूँ टीवी पे, मैं वहाँ बैठा हूँ आपके ड्राइंग रूम में. अगर मैं ड्राइंग रूम में बैठ के टीवी देख रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए? करेक्ट. हमारी प्रॉब्लम टीवी में सबसे ज़्यादा मालूम है कि हमको ज्ञान देने की बहुत आदत है, जहाँ मौका मिले ज्ञान दो. कभी कभी मैं भी भावनाओं में बह जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देता, लेकिन अल्टीमेटली जो बात मेरे व्यूअर को समझ में आए अगर मैं उसकी जगह बैठकर मैं देखूं और उसको एक्शनेबल पॉइंट दूं तो आई थिंक चेंज हो सकता है. पहली चीज़ वो हमने चेंज करने की कोशिश की, तो एक तरीका हमने ये बदला
दूसरा तरीका हमने ये बदला कि ये बिजनेस जर्नलिज्म एकदम सूट बूट पहन के बिना कभी मतलब दांत दिखने नहीं चाहिए, मुस्कुराहट आनी नहीं चाहिए चेहरे पे, सीरियस बिजनेस, इट्स अ सीरियस बिजनेस। भाई ये ठीक है, मतलब हंसता हुआ चेहरा किसको पसंद नहीं आता भाई। तो हमने सोचा नहीं यार ये नहीं चलेगा, एंड बाय नेचर आई एम लाइक दैट ओनली। तो मैं जैसा ओरिजिनल हूं वैसे ही टीवी पे दिखता हूं, जैसा टीवी पे हूं वैसे ही अभी दिखता हूं। सो मेरे जो दिल में आता है वो करता हूं, अपनी लैंग्वेज में करता हूं और हल्के फुल्के माहौल में करता हूं जो आप लोगों को पसंद आ गया, स्पेशली कोविड के दौरान। और तीसरी चीज ये कि हमारे ना पता नहीं वो मतलब सीए के टाइम पे आप में से मेरे कई सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरे जमाने के सीए होंगे, मैंने 93 में किया है तब वो ओआर होती थी, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसर्च मैनेजमेंट क्या थी, ओएनएम। हाँ अरे भाई साहब इंटर का सेकंड ग्रुप मैथ्स ओएनएम और एसएडीपी था भाई साहब, वापस एग्जाम देना पड़ रहा था, 8-10 अटेंड में पास ना हो उस समय कैसे हो गए भगवान जाने। अब उसमें विकास जी आप तो विदेशों से पढ़ के आए हैं, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हुए थे, ऐसे मुश्किल मुश्किल शब्द मैनेजमेंट के, तो हम क्या करते थे कि वो शब्द याद कर लेते थे और फिर वो बोलते थे, वो हर एग्जाम के एक एक सेंटेंस में एक एक शब्द डाल लेते थे ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि इसको इंग्लिश बढ़िया आती है, बढ़िया मैनेजमेंट आता है, ऐसे करके तो पास हुए हम। सेम चीज टीवी में होती है, मुश्किल शब्द बोलो, मुश्किल शब्द लिखो तो लोगों को लगेगा ये बड़ा ज्ञानी है, नहीं यार ये नहीं चलेगा। तो ये तीन चार चीजें छोटी छोटी चीजें बदली और कुछ नहीं किया, और अपनी दुकानदारी चल पड़ी बस, ठीक है आपके सामने सिंपल। गुड मॉर्निंग अनिल जी। जी सो हाँ नहीं मैं सुन पा रहा हूँ, मैं जवाब दे दूंगा। हाँ दूसरे सेक्टर में जाओ, तो आपके हिसाब से किस सेक्टर को आज की डेट में नेक्स्ट टू इयर्स कि किसको अवॉइड करना चाहिए, जैसे सभी लोग बोल रहे सीमेंट को अवॉइड कर दो, लोहे को अवॉइड कर दो, तो अभी कहाँ आईटी है, उन्होंने बहुत पैसे दे रखे हैं सारे प्रोफेशनल को, बहुत खर्चा बढ़ गया है, तो आपके हिसाब से क्या सेक्टर में लगना चाहिए? पहली चीज तो आपने ऐसा कैसे सोचा कि मैं टॉप 10 नहीं बताऊंगा? नहीं आपने मना किया। देखो एक्चुअली मैंने वो ट्राई किया, आपने मेरे स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश किया है, मीडिया के स्टेटमेंट भी है, तो मैं आपको टॉप 10 नहीं थोड़े ज्यादा बताऊं चलेगा? सर 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 मेरे टॉप 30 स्टॉक्स हैं और टॉप 50 स्टॉक्स हैं, समझ तो गए होंगे आप। टॉप 30 है मेरा सेंसेक्स और टॉप 50 है निफ्टी। लाके डाल के भूल जाइए सर, क्यों दिमाग लगाना है, बिना दिमाग लगाए बिना मेहनत किए पैसे कमाने हैं ना, सो सेंसेक्स और निफ्टी वाले फंड में डाल के छोड़ दीजिए। किस मैं बोलो मेरा शो देखने की जरूरत ही नहीं आपको, रोज सुबह 8 बजे लाइफ में कुछ और बेहतर काम करिए ना, और बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, क्यों यही काम करना है? सिंपल पैसिव इन्वेस्टिंग ETFs दे आर डूइंग ग्रेट जॉब बाय डिफॉल्ट। सो सीरियसली माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन पिकिंग द राइट स्टॉक, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन होल्डिंग, डोंट डू दैट, जस्ट इन्वेस्ट इन टू इंडेक्स, दैट्स इट। इंडेक्स फंड्स बहुत सारे, अच्छा मिनिमम उसमें आपके एक्सपेंस रेशियो चार्जेस हैं, ट्रैकिंग एरर नहीं के बराबर है, राइट आपको किसी फंड मैनेजर पे भरोसा भी नहीं करना अपने पैसे के लिए, और अगर सेंसेक्स निफ्टी आगे पीछे आपको निफ्टी FD से डबल रिटर्न दे देंगे आराम से, टैक्स फ्री रिटर्न, और क्या चाहिए लाइफ में? सो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है जहाँ तक सेक्टर्स का सवाल है, सेक्टर्स की प्रेफरेंस टाइम के साथ बदलती है, आज की मैं बता सकता हूँ आपको, और आपको पता ही है लगातार काफ़ी टाइम से मैं जो जिन सेक्टर्स पर पॉजिटिव और बुलिश हूँ उसमें बैंक्स और ऑटो सबसे ज़्यादा है। अगर कुछ भी लेना है सबसे पहले मार्केट में तो बैंक्स और ऑटो लेना है, ऑटो एंसिलरी लेना है, सेलेक्टिवली आपको FMCG शेयर खरीदने हैं, उसमें भी लिकर स्टॉक्स अगर आप खरीदते हैं, बहुत सारे लोग नहीं खरीदते हैं फॉर सम रीजन, हमारे सेठी साहब बहुत सारे लेदर वाले स्टॉक्स रिकमेंड नहीं करते हैं फॉर रिलीजियस रीजन्स विच इज़ फेयर। सो
ये कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, ऑटो इंडस्ट्री, ऑटो, बैंक, FMCG, ये सेक्टर्स मुझे अच्छे लगते हैं जहाँ पर आपको बढ़िया पैसा बनेगा, ये तो अच्छे वाले हो गए। खराब वाले में मेटल्स मुझे अभी भी खराब लगते हैं, कम से कम मेटल्स यहाँ से और 10% गिरेंगे तो सोचेंगे खरीदने के बारे में। IT स्टॉक्स अब लेने की रेंज में आ रहे हैं, IT पे भी मैं बहुत बेरिश था, IT और मेटल्स दो पे हम लगातार बहुत बेरिश थे। IT 5-1%, 5-7% और गिर गया तो IT लेने लायक हो जाएगा, क्योंकि IT में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वैल्यूएशंस बहुत महंगे थे और वो महंगे वैल्यूएशंस अब आपके करेक्ट होकर राइट लेवल पर आ रहे हैं, अब आपके लेने का टाइम बनेगा। और बाकी तो फिर दूसरे आपके सीमेंट वगैरह, ये मार्केट परफॉर्मेंस है, मार्केट चलेगा तो ये सब चलेंगे, नहीं चलेगा तो नहीं चलेंगे, इट इज एज सिंपल एज दैट। सो कहाँ ज़्यादा, एक तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई अपने पैसा लगाने के लिए 3-4 सेक्टर हैं, बस वहाँ पे आप अच्छे स्टॉक ढूंढ लो, मिल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं आपको एक और फॉर्मूला देता हूँ ताकि आपको बार बार मुझे कोलकाता बुलाने की जरूरत भी ना पड़े। अरे क्या बात करें, इतना आपका प्रेम है सर, परेशान नहीं। लिमिटेशन है ना, आप भी कितनी बार आएंगे मुझे देखने, बोले एक बार देख लिया, बार बार देखने लायक तो है नहीं है। सो कुछ मत करिए, पिछले 4 या 5 बुल रन और बेयर मार्केट्स आप देख लीजिए, कब कब बड़ी तेजी, कब कब बड़ी मंदी हुई। अच्छा वो भी छोड़िए, पिछले 30 साल से ये देख लीजिए, आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले कौन से स्टॉक्स ऐसे जो सेंसेक्स और निफ्टी का पार्ट थे और आज भी है। ऑटोमेटिकली आपके स्टॉक की लिस्ट 5-7 से ज़्यादा बनेगी नहीं, क्योंकि निफ्टी सेंसेक्स अपने आप में वो रीशफलिंग करके वही स्टॉक रखते हैं अंदर जो वाकई में उसमें रहने लायक है। सो अगर कोई आपका L&T, कोई इन्फोसिस, कोई रिलायंस 25 साल पहले भी निफ्टी में था, सेंसेक्स में था, आज भी है, तो आपको पता है फिर आपको क्या लेना है। अगर आपको सेंसेक्स निफ्टी पैसा नहीं लगाना, आपको लगता है कि मुझे स्टॉक्स ही लेने हैं, तो ये दूसरा बहुत सिंपल सा तरीका है, हल्की सी कैलकुलेशन करनी है आपको, इतनी देखनी है और आपको पता चल जाएगा कि 25 साल पहले क्या भाव था और आज बोनस डिविडेंड वगैरह सब मिलाकर आज क्या भाव है, आपका निफ्टी से बेटर रिटर्न इन स्टॉक्स में आ जाएगा, वो काम कर सकते हैं। सो जरूरी नहीं कि आपको, प्रॉब्लम क्या है कि हमको सबको साल भर में डबल होने वाला चाहिए, है ना, कोई मान ही नहीं रहा। देखो हाँ, ये देखो एक महीने में कलकत्ता है ना, सॉरी मुझे लगा मैं मुंबई में हूँ, कोलकाता वालों को तो एक महीने में ही डबल करना है, होना भी चाहिए, एम्बिशियस होने में बुराई नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ करेंगे तो आराम से बनेगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। माय क्वेश्चन है हाउ टू कंट्रोल इमोशंस वंस वी सी सडन स्पर्ट इन अ स्क्रिप्ट आफ्टर योर रिकमेंडेशंस। मेरी रिकमेंडेशन भाई साहब, आज तक ऐसा नहीं हुआ, कौन सा स्टॉक बढ़ा है मेरे बोलने के बाद, कौन सा बढ़ा है, ये काम सेठी साहब के हैं, इनके बोलने के बाद स्टॉक, मेरे बोलने के बाद स्टॉक, मैं तो बहुत ही लाइफ में बोरिंग आदमी हूं। सजेशन है जी सर कि कभी भी अच्छे स्क्रिप्ट को बेचे मत जी सर, माने अनलेस इट इज रिक्वायर्ड फॉर सपोर्ट जी सर। अब जस्ट आई एम आस्किंग दैट LT इंफोटेक 8000 तक गया तो हम लोगों ने देखा, जब 7500 आया तो हमने कहा तो मार्केट का एक रिएक्शन है, ये तो वापस ठीक आ जाएगा, लेकिन वही LT इंफोटेक 4000 रुपये आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने क्या डिसीजन लेना चाहिए, मैंने कुछ स्क्रिप्ट में ये देखा है कि वो गिर जाती है तो फिर गिर ही जाती है मतलब, और कुछ स्क्रिप्ट हैं जो बड़े बढ़ते चले जाते हैं। सर इसके बारे में कुछ, सर इसका एक सिंपल फॉर्मूला ये है, आप स्टॉक मार्केट में रीजनेबल रिटर्न ही कमा सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न कमाना चाहते हैं, सर प्लीज बैठिए आप, तो आपको टाइम करना है मार्केट कि मैं इस भाव में खरीदूं, इस भाव में बेच दूं, वापस नीचे आएगा तो ले लूंगा, वो एक एक्टिवली आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न कमाने के लिए करना है। अगर आपने 2000 रुपये में L&T इन्फोटेक लिया है, 8000 हो गया, वापस 4000 हो गया, तो भी आपका 100% रिटर्न है। फॉर एग्जाम्पल, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल मेक ओनली 12-15% कंपाउंडेड रिटर्न ऑन योर पोर्टफोलियो, यही मिलेगा स्टॉक मार्केट से।
अपने आप शांति से अच्छे स्टॉक लेकर, इससे ज्यादा रिटर्न चाहिए तो उछल कूद करनी है। अब उसमें आ गया आपकी स्किल से आपका नसीब है, नहीं आया तो वो रिस्क आप लेकर चलते। सो पैसिव इन्वेस्टिंग विल गिव यू रीजनेबल रिटर्न्स, नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स। एंड इफ यू आर नॉट सेलिंग एट 8,000, इट इज पैसिव इन्वेस्टिंग। कि भाई ये भाव तो देखिए, मंदी के टाइम पे भी ऐसे भाव होते हैं जो गलत हैं, तेजी के टाइम पे भी वो भाव होते हैं जो गलत हैं, करेक्ट? दोनों तरफ आपको गलत प्राइसेस मिलेगी। जब गिरते तब भी इतना तो गिर ही नहीं सकता, क्यों गिरना चाहिए, और जब बढ़ता तो इतना क्यों। लेकिन अगर आप वो टाइम करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, नहीं करना चाहते हैं तो आपको कंपनी की क्वालिटी पे भरोसा है, छोड़ दीजिए, दिमाग मत लगाइए। लेकिन तब आपको मन की शांति के साथ 15% का रिटर्न मिल जाएगा, ज्यादा के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सर आपने क्या पूछा था, मैं भूल गया, सॉरी। इमोशंस कैसे कंट्रोल करें? इमोशंस कंट्रोल क्यों करनी है? लेकिन देखिए सर, एक सिंपल सवाल का जवाब दीजिए आप सब लोगों के लिए। कितने लोगों के साथ यह होता है कि आपके लेते ही शेयर का दाम गिर जाता है? ओके। और कितने लोगों के साथ यह भी होता है कि बेचते ही बढ़ जाता है? आई लव यू ऑल, नॉट बिकॉज ऑफ दैट यू आर अ बैड इन्वेस्टर, यू आर रियली गुड गाइज, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। और अगर आपको ये लगता है ये खाली आपकी प्रॉब्लम है या खाली कलकत्ता की प्रॉब्लम है, तो प्लीज लेट मी क्लैरिफाई यू वेरी वेल, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, सारे रॉबिन हुड से ऐसे ही हैं। अब सिंपल सी चीज है, भाई साहब ने इमोशंस की बात की, हर वक्त मार्केट में दो ऑपोजिट व्यू है, तभी तो ट्रेड होता है ना, एक को लेना है एक को बेचना है। अगर सब लोग एक ही तरह सोचेंगे तो या तो ऊपर का सर्किट या नीचे का सर्किट मिलेगा, करेक्ट? ट्रेड ही नहीं होगा। जो बेच रहा है वो ये सोचता है कि मैं समझदार हूं, आज बेच रहा हूं कल नीचे मिलेगा। खरीदने वाला भी ये सोचता है कि मैं समझदार हूं, आज ले रहा हूं कल ऊपर मिलेगा। अगर आपको लगता हो कल नीचे मिलेगा तो आप लेंगे क्यों आज, राइट? वो अलग बात है, मार्केट की खूबी और खासियत ये कि दोनों ही बाद में बेवकूफ साबित होते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं और आपके साथ ये हमेशा होता है कि जब आप लेते हैं लेते ही गिर जाता है और बेचते ही बढ़ जाता है, तो आपकी सोच में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी सोच एकदम परफेक्ट है। प्रॉब्लम सोच में नहीं है, प्रॉब्लम एक्शन में है। सोच मत बदलिए सर, एकदम सही है। इसका मतलब क्लियर है कि जब लेने का मन हो तब बेचना है, जब बेचने का मन हो तब खरीदना है। अगर एक्शन आप रिवर्स कर लेंगे, करके देखिए, शायद चीजें बदल जाए, राइट? आपके मेरे सोचने से और आपकी मेरी सोच के मुताबिक मार्केट चले, ऐसा तो होने वाला है नहीं। मैंने बहुत साल ट्राई करके देख लिया, होता नहीं है। मुझसे नहीं होता तो फिर आप सोच लो आपसे हो पाएगा। सो हमें सिंपल सी चीज ये कि अब इस वक्त जब सबको डर लग रहा है, सबको लगता है खराब हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या नहीं, ये वक्त आ रहा है जब आपको खरीदना है। और नेचुरली टॉप और बॉटम मार्केट के हमेशा बनने के बाद पता चलते हैं, पहले कभी नहीं। हर बार के बुल रन में नया टॉप बनता है, अलग लेवल का बनता है। हर बार के बेयर मार्केट में अलग तरह का बॉटम बनता है। हमने फॉर्मूला बनाया कि काफी कुछ हम मैथमेटिकली उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट इट इज नेवर एग्जैक्टली द सेम। सो प्लीज डोंट ट्राई टू चेंज योर इमोशंस, आपकी इमोशंस एकदम परफेक्ट है, चेंज द एक्शन, सिंपल। जी सर, नेक्स्ट। यस, गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग सर, रोहित हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वार्म वेलकम टू कैलकटा। आपने कहा कि सर आप कभी कभी कैलकटा आते हैं, मैं ये बोलना चाहूँगा कि हर रोज सुबह 8 बजे आप हमारे घर आते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं एक किस्सा आपसे शेयर करूँगा सर। एवरी डे माई फादर आपको देखते हैं सुबह 8 से 9 बजे तक, उसके बाद ही वो कुछ करते हैं और मुझे भी बताते हैं सीखो इनसे। तो 2 दिन पहले जब मैं बोल रहा था कि VIP CA चार्टर्ड अकाउंटेंट में आप आ रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा, आप जरूर जाइए। मैंने जब उनको बोला कि वो CA है, तो उनका रिस्पेक्ट मेरे लिए और बढ़ गया। अरे वाह, सो सीरियस। ये सर फैक्ट है, दिस इज फैक्ट। थैंक्स यू VIP रोड चार्टर अकाउंटेंट बजरंग एवरीवन फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। सर मेरा सिंपल क्वेश्चन है सर,
हमें क्या तीन चीज करना चाहिए फॉर अ डिसिप्लिन, फॉर बीइंग अ डिसिप्लिन इन्वेस्टर, और क्या नहीं करना चाहिए, कुछ कुछ अगर आप बता सकें। पहले तो आपके पिताजी को मेरा प्रणाम कहिएगा, आशीर्वाद देते रहे मुझे। देखिए, तीन ही चीजें चाहिए लाइफ में, चाहे आप सीए हैं या नहीं है, मार्केट में पैसा बनाने के लिए। सबसे पहले डिसिप्लिन। आपको पैसा एक बार लगाकर आप ये सोचे कि बस यहां मैंने लगा दिया, यहां से अब नीचे नहीं जाएगा, यहां से ऊपर ही जाना चाहिए, मेरा पैसा बनना चाहिए, ये कभी भी नहीं होगा। डिसिप्लिन मीन्स आपको रेगुलर इंटरवल पे इन्वेस्टमेंट करना है, पॉइंट नंबर वन। क्लियर? मतलब ये तो ऐसा हो गया कि आपने दसवीं का एग्जाम दिया, बारहवीं का दिया, ग्रेजुएशन कर लिया, अब आगे और पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट? सो आपको डिसिप्लिन के तौर पर पैसा हर एक फॉल पर लगाना है। हो सकता है किसी दिन ऐसा होगा कि अब आपके पास नहीं बचा, वो होगा, लेकिन वो कंडीशन कब आनी चाहिए, जब आप कम से कम तीन चार पांच टुकड़ों में पैसा डाल चुके हो। अगर आपने एक ही बार इन्वेस्ट किया, बोला अब तो मेरे पास बचे ही नहीं नीचे लेने के लिए, ये डिसिप्लिन नहीं है। चार पांच बार डालने के बाद हो सकता है उसके बाद आपके पास ना बचे, समझ सकते हैं कि उसके बाद भी कभी मार्केट इरेशनल हो सकता है और गिर जाए। सो फर्स्ट थिंग इज डिसिप्लिन, सेकेंड इज लॉन्ग टर्म अप्रोच। मैं आजकल वो इंसान हो या निफ्टी के बाद, मैंने दूसरा भी नया जो डायलॉग निकाला है जो वायरल हुआ है, लॉन्ग टर्म सोचोगे तो शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म सोचोगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी बन जाओगे, पैसा बनेगा नहीं बनेगा गारंटी नहीं। हो सकता है आपको लगे कि भाई आज मुझे 15,000 पे ले लेना है, मैं 3 साल तक के लिए रुकूंगा, कौन जाने 3 महीने में आपका 16,000-17,000 हो जाए, राइट? बन जाएगा पैसा, लेकिन आप आज 15,000 में ले रहे हो कि मैं आज लेके कल या परसों या हफ्ते भर में बेचूंगा, पता चला 14,500 हो गया अब। सो पहली चीज डिसिप्लिन, सेकंड चीज लॉन्ग टर्म अप्रोच, और थर्ड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन यू कम इनटू स्टॉक मार्केट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेशंस ऑफ रीजनेबल रिटर्न्स। अनाप शनाप कमाई वाली जगह नहीं है सर, लोगों को गलतफहमी कि यहां बहुत पैसा बनता है, ऐसा नहीं है। किसी भी आदमी ने स्टॉक मार्केट में जिसने बहुत बड़ा पैसा बनाया, दो चार एग्जांपल आपके वॉरेन बफेट राकेश जूनियर वाला मिल जाएंगे, हर घर में थोड़ी है भाई, करेक्ट? उनको आप आइडियल माने, फॉलो करने की कोशिश करें, विच इज फेयर, बट एवरीवन कैन नॉट मेक मनी लाइक दैट। सो आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन रीजनेबल, मतलब रीजनेबल में क्या, मेरे लिए रीजनेबल रिटर्न की एक्सपेक्टेशन वो है जो आपको एफडी में मिल रहा है, उससे डबल टैक्स फ्री। सपोज आपका एफडी में आज 6% रिटर्न आता है, करेक्ट? टैक्स जो भी आपका 12% टैक्स फ्री, 10% आप दे दीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 13-14-15% आपका रिटर्न बनता है, यू आर द बेस्ट। ये तीन चीजें कर लीजिए सर, और कुछ नहीं करना है लाइफ में, आपका 101%। और न सिर्फ इक्विटी में, आपका किसी भी एसेट क्लास से कंपेरेटिवली इक्विटी में सबसे ज्यादा पैसा बनेगा अगर ये तीन चीजें आप फॉलो करते हैं। और इसके अलावा और जो आपने क्या डूज एंड डोंट्स पूछा ना, बाकी सब डोंट्स है क्योंकि डोंट्स में तो क्या लंबी लिस्ट है, बताते जाएंगे तो सेठी जी का नंबर ही नहीं आएगा, वो बोला अनिल जी चुप हो तो मैं कब शुरू करूं आज तक मैंने कभी किसी को छोड़ा है सेठी साहब मौका मिलने पे किसको छोड़ा है मैंने जी? तो जीरो वाले में कौन एवरेजिंग करता है सर? नहीं सर, देखिए बताओ तो सही कौन सा लिया सर? अच्छा, मैं ये सोचूं कि सिल्वर लाइन पेंटाफोर डीएसक्यू सॉफ्टवेयर वाले है कहां, अब जाके मिले मुझे यार भाव आता है इसका तो बढ़िया शेयर है, जिसका भाव आता है वो तो बढ़िया शेयर माना जाता है, गजब गजब। सर देखिए, यहीं पर आप में, मेरे में और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर में फर्क है।
क्या होता है, अगर आप पेशे से डॉक्टर हैं, अगर आपका आपकी मदर, आपकी वाइफ, आपके बेटे बेटी का ऑपरेशन सर्जरी करना आपके आपके पास आ जाए आपकी ऑपरेशन टेबल पे, आपके हाथ कांपने लगेंगे, राइट? क्योंकि आपका एक एक्स्ट्रा लगाव है उनके साथ में, आप शायद ढंग से सर्जरी ना कर पाए, करेक्ट? और ये किसी दूसरे डॉक्टर को दे दो, भले वो जानता भी होगा, नहीं जानता हो तो और भी अच्छी बात है, एक आध दिन चीरा ज़्यादा ही मारेगा, वो आराम से सर्जरी कर देता है, क्योंकि वो उसका रिलेटिव नहीं है, फ्रेंड नहीं है। सिमिलर चीज़ है पोर्टफोलियो में, ऐसा नहीं कि फंड मैनेजर्स गलत नहीं होते। सत्यम निफ्टी का स्टॉक होता था, सेंसेक्स का होता था, हर एक फंड मैनेजर के पोर्टफोलियो में था, करेक्ट? लेकिन अगर कोई स्टॉक खराब हो गया और समझ में आ रहा है कि ये खराब हो रहा है या ये बंद होने वाला है, ये दिवालिया हो जाएगा, ये हो जाएगा, फंड मैनेजर दिल पे पत्थर के बेच देता है, और वो आपसे नहीं होता है, क्योंकि आपका लगाव है उस शेयर के साथ में। आज भी पढ़ा है, वो 500 रुपए वाला 5 रुपए हो जाएगा, करेक्ट? उतना ही भाव बचा जितनी किसी समय ब्रोकरेज लग जाती थी, लेकिन फिर भी बेचा नहीं जाएगा, और जो 5 हो गया उसका फिर हम उम्मीद करते हैं कि 500 होगा वापस। 95% गिरा है, लेकिन बढ़ने के लिए उसको कितना, 5 वाला 500 बढ़ने का 100 टाइम्स कैसे होगा? सो यहां पर फर्क है कि आप एवरेज किसको कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। अगर आप एवरेज इसलिए कर रहे हो कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, TCS में कोई दिक्कत नहीं, 4500 रुपए में कंपनी ने बायबैक भी किया है, हाँ उस समय तेजी का मार्केट थे, वैल्यूएशंस महंगे हो गए, 70-60-80 के पी मल्टीपल पर ट्रेड करा था, अब वैल्यूएशंस रीजनेबल आ गए, फर्स्ट क्लास कंपनी है, टॉप नॉच कंपनी। मैं आपको एक और फॉर्मूला देता हूँ, अगर आपको करना ही है एवरेजिंग तो टॉप 30 टॉप 50 स्टॉक्स के बाहर मत करिए, उसके बाहर किसी भी स्टॉक में एवरेजिंग करना रिस्की है, हर बार खराब होगा ऐसा भी नहीं है लेकिन रिस्की है। टॉप 30 टॉप 50 स्टॉक्स में एवरेजिंग करना रिस्की नहीं है। अगर आपका 3800 रुपए का TCS है, आप 3000 में एवरेज करते हो, कुछ गलत नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप वो कंपनी एवरेज कर रहे हो जिसमें इवेंचुअली आपके पास इतने शेयर हो जाएगी प्रमोटर आप ही बन जाओ तो फिर रिस्क है। जी हेलो सर। यस मैम। सर, ड्रीम्स हैव मैजिक, यू हैव टू जस्ट बिलीव इन योर ड्रीम्स। सर, माय सेल्फ सी अल्फा डागा, और आपको मालूम ही है कि मेरा ये सपना था कि आपके समक्ष मैं कुछ बात कर सकूं। थैंक यू जी, आई वेलकम यू। एंड सर, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हम लोग रोज सुनते आ रहे हैं कि हमारे भारत देश में इतने रिकॉर्ड डीमैट अकाउंट खुले हैं, और जैसे मोहित जी ने कहा कि मेरे पापा सुबह उठ के ZTV चलाते हैं, तो सर घर घर में आज जो फाइनेंशियल लिटरेसी का कैंपेन है, सर ZTV के कारण ही पहुंचा है, और इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। थैंक यू जी। और सर, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है रिगार्डिंग PSU स्टॉक्स। सर, PSU स्टॉक्स इतना अच्छा डिविडेंड देते हैं, बायबैक्स भी, जैसे गेल में अभी अनाउंस हुआ, वो लोग बोनस भी इशू करते हैं लाइक इरकॉन, अभी REC का भी प्रोसेस चल रहा है, लेकिन जो वैल्यू एप्रिसिएशन होता है जब मार्केट डाउन होता है तो वो बहुत जल्दी गिर जाते हैं, और जब अप होता है तो उतना प्राइस एप्रिसिएशन उनमें नहीं होता है, तो सर आपके क्या व्यूज है? दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ तो ये अल्फा जी के आपको प्रॉब्लम पता है या नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम पता है तो आधा काम तो हो गया, आपको ये मालूम है कि ये गिरने में पहले रहते हैं और बढ़ने में आखिरी में, तो आपकी प्रॉब्लम तो आपने समझ ली कि क्या प्रॉब्लम है इन स्टॉक्स की। तो आपको इन शेयरों को खरीदना कब है? जब आपका बुलरन शुरू हो गया, बुलरन के सेकंड फेज में या आखिरी फेज में जाके है ना लोगों के पास आइडियाज की कमी हो जाती है, अब क्या खरीदें, ये तो इतना बढ़ गया है, ये इतना बढ़ गया, बिकॉज आपका IT भाग जाएगा, ऑटो भाग जाएगा, बैंक्स कहीं भी होंगे, सीमेंट कहीं होगा, यू नो यू डोंट हैव मच ऑफ आइडियाज लेफ्ट टू इन्वेस्ट इन टू। देन यू लुक एट PSU, ओह अच्छा HDFC बैंक 8 टाइम्स ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू पे, SBI तो 3 पे ही कर रहा है, 4 तो बनता ही इसका कम से कम, यहाँ से 25% तो ऐसे ही चल जाएगा। देन यू स्टार्ट लुकिंग एट PSU स्टॉक्स, एंड दिस इज द राइट टाइम वेन यू एंटर इन टू PSU स्टॉक्स। वन नंबर टू, दीज आर वैल्यू स्टॉक्स, एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग इज वेरी पेनफुल एंड अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस, विच इज आई मीन बेस्ट ऑफ बेस्ट फंड मैनेजर्स कांट डू इट। वो आपका पेशेंस PSU में PWD पेशेंस है पहले वाला, सो इट विल टेस्ट योर पेशेंस, इट विल कीप गिविंग यू डिविडेंड्स,
बट वो कैपिटल एप्रिसिएशन में से निकालता जाएगा, जितना डिविडेंड आएगा उतना भाव कम होता जाता है, करेक्ट। सो ये प्रोसेस अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लेकर सोच सकते हैं, हाँ इसमें ये जरूर है कि आपके जनरली बैंकक्रप्ट होने की स्टॉक की रिस्क कम होती है, कंपनी बंद हो जाए इसकी रिस्क कम होती है, खत्म तो नहीं होती। तीसरी चीज आपको पता है गिरने में आगे रहते हैं मोस्टली ये ऐसे स्टॉक से या तो कमोडिटीज से जुड़े हुए या किसी न किसी बिजनेस साइकिल से। सो आपको ये पता रहना चाहिए कि मुझे निकलने में इनसे पहले निकलना ही है, जब भी मुझे लगता है कि अच्छा पैसा बन गया। सो ऐसा नहीं कि पीएसयू स्टॉक्स में पैसा नहीं बनता, बनता है, बिल्कुल बनता है पीएसयू स्टॉक्स में। वो मैं बोलता हूँ ना रोज कई बार कि आप शिकारी हैं, आपको दो तरीके से शिकार कर सकते हैं, एक तो भाग भाग के जंगल में शेर ढूंढो, कहीं तो मिलेगा, कहीं तो मिलेगा, मिलेगा गोली मारूंगा और शिकार करूंगा, और दूसरा वो कि वो तालाब के किनारे बैठ गया पेड़ के पीछे, भाई दिन में दो बार पानी पीने यही आता है, जब पानी पीने आएगा तब मैं सोऊंगा नहीं, जागते रहूंगा, और जैसे ही पानी पीने आएगा मैं गोली मारूंगा, विच इज सेफ। वेयर डू यू हैव बेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही है, ये सरकारी कंपनियां शेयर की तरह, आप बैठ जाइए जगह पे जिस दिन इनके वैल्यूएशन एकदम बुक वैल्यू से 1/3, 1/4 ट्रेड कर रहे हैं, वो उस दिन का इंतजार कीजिए, मिलता है, हर 3-4 साल में एक मौका मिलता है, तब आप लेके शांति से बैठिए। जी गुड आफ्टरनून सर, हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर, सर ओके यस। सो सर आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू फॉर द नोशन यू गिव टू योर यू नो व्हाट व्यूअर्स, बिकॉज आई स्टार्टेड इन द मार्केट विद merely 3200 rupees and I have pretty good amount in my portfolio now. Kitna? So it's more than mera interest hai janne mein kitna bana hai, so more than 75k. So it is only because of the notion you have given to us. Very nice, God bless you. So my question is, with the 90 basis point increase in the policy rates in India and 75 basis point increase in policy rates in the US, so do you think the market which is correcting is more because of the recession that is, you know what, expected, or because of the prevailing conditions of the market? I mean, which is the, you know what, more predominant factor in the market right now? मैं देखो ऐसा है कि अमेरिका वाले ने बहुत पाप किए, और कोई बोलता नहीं, मैं तो बोल देता, मुझे कौन से अमेरिका से रिश्ते अच्छे रखने में इंटरेस्ट है, लाइफ में एक ही बार गया, वापस जाऊंगा नहीं जाऊंगा पता नहीं, जाऊंगा तो भी घूमने, मुझे कोई जो बाइडेन का इंटरव्यू भी नहीं करना, मतलब है ना भगवान भरोसे ही चल रहा है वो देश, पॉलिसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिस दिन आप और हम, मैं बहुत कड़वी और सच्ची बात आपको बोल रहा हूं, जिस दिन आप और हम जिंदगी में यह सोच लें कि हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैसा है, आप समझ लीजिए जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसी दिन से शुरू होगी। पैसा हर चीज का सॉल्यूशन नहीं है, हो सकता है मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स कैन बी क्योर्ड बाय मनी बट नॉट एवरीथिंग, एंड दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक मेड बाय फेड एंड यूएस गवर्नमेंट, छापो डॉलर, बांटो, पैसा दो, लिक्विडिटी, इससे लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस भी निकल जाएगा, इससे आपका कोविड भी चला जाएगा। कोई एक आध फॉर्मूला एक आध वक्त काम कर सकता है, हर वक्त नहीं कर सकता है। सो इजी लिक्विडिटी, इजी मनी अवेलेबिलिटी, जो अनाप शनाप बूम आया है, शेट्टी साहब को पूछो, उन्होंने बोला था मेरे को, शो में ही बोला था, अमेरिका गए थे एक डिपार्टमेंटल स्टोर में घुस गए, बोले वहां पे टॉयलेट पेपर भी नहीं है, सब भी गए, आप ही ने बताया था शेट्टी साहब, मतलब इस लेवल का कंजम्पशन बूम कहां से आ रहा है, बिना मेहनत के। भाई मैं आपको बोलो, आप घर बैठो, मैं आपके अकाउंट में हर महीने 10,000 रुपये डाल देता हूं, और बाकी थोड़ा बहुत आप इधर उधर से बना ही लोगे, तो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन, वो जो पैसा छाप छाप के अमेरिका ने, तो अब उसको भुगत रहे हैं, और अब दूसरी गलती कर रहे हैं, जो वो भी भुगतेंगे और हम भी भुगतेंगे, अब वो एक्सेस टाइटनिंग, अब क्या है कि ट्रीटमेंट तो लग नहीं रहा, मतलब उसको रेमडेसिविर भी दे दो, और वो कौन सी टोली जो होती थी 45,000 वाली दवा होती थी ना कोविड के वक्त में, जो 1.5-2 लाख रुपये में मिलती थी, वो भी दे दो, 8-10-15 गोली दिन में, सुबह 15, दोपहर में 15, शाम को खिलाते रहो। अब वो अमेरिका वाले वही कर रहे हैं, इतनी टाइटनिंग करो, इतनी लिक्विडिटी निकालो,
अब यार हर एलोपैथिक ट्रीटमेंट के हर सर्जरी के साइड इफेक्ट होते हैं, इसके भी होंगे. सो आई थिंक अमेरिका इज गोइंग टू गो इनटू मच मच वर्स सिचुएशन देन व्हाट इट इज टुडे. इफ देयर इन्फ्लेशन टारगेट इज 2%, 2% इज नॉट गोइंग टू कम इन इजी वे. लिक्विडिटी 20% कम से कम फूड इन्फ्लेशन कम होगा यहाँ से 15-20%, और क्रूड आपका 70-80 की रेंज में 90 की रेंज में आए तो आप सोच सकते हो कि हम कहीं 2% के आसपास पहुंचेंगे. सो आई थिंक अमेरिका इज गोइंग टू सी ए क्रैश लैंडिंग ऑफ इकोनॉमी एंड ऑफकोर्स वी ऑल आर गोइंग टू सफर फॉर दैट. सो टफ टाइम अहेड अनडाउटेडली. ओनली सिल्वर लाइनिंग इज वी आर मच बेटर ऑफ. इन US टूडे इन्फ्लेशन इज 8.6% एंड इंटरेस्ट रेट इज 1%, राइट. सो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट इज 7.6%, करेक्ट. हमारा इन्फ्लेशन अभी लास्ट फिगर जो परसों आया 7.1% एंड आर इंटरेस्ट रेट इज 4.9%. सो 2.2% इज द डिफरेंस विच इज द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, लोएस्ट. सो आर RBI इज मच मच प्रोएक्टिव एंड बेटर इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग इकोनॉमी देन US फेड एंड मेनी अदर्स. तो अमेरिका का हाल बहुत बुरा है बॉस. सर जी, आई हैव सीन दैट वी आर ऑलवेज वेरी प्रॉम्प्ट इन बुकिंग द प्रॉफिट बट वी आर वेरी पुअर इन बुकिंग द लॉसेज. पूरी इन्वेस्टमेंट वाइप हो जाए तभी लॉस बुक नहीं कर रहे. राइट. एंड प्रॉफिट इन वन पर्टिकुलर केस एप्पल, करेक्ट. 10,000 रुपीज आई बॉट एट 19, सोल्ड एट 230, कुड नॉट कीप पेशेंस, इट वेंट अप टू 30,000. सो इसमें कोई चेक वी कैन डू इन योर अप्रोच? सर वो तो आप ही को करना है, कोई क्या कर सकता है. ये तो इंडिविजुअल वाली प्रॉब्लम है, वो सबके साथ है. और ऐसा मतलब लॉस बुक होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल है. मैं रोज बोलता हूँ स्टॉप लॉस लगाना, छेड़छाड़ मत करना, यही रखना है, हिलाना मत. मुझे कौन सी गलतफहमी कि सब लोग सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं? कोई गलतफहमी नहीं है बॉस. अगर मेरे बोलने से 2-3% सुधर जाए तो मेरा जीना सफल है, इससे ज्यादा की मेरी उम्मीद. अरे मेरे घर पे नहीं सुनते? गुड आफ्टरनून सर. बाकी की छोड़ दो जी. गुड आफ्टरनून सर. जी सर, आपने आपके स्पीच के इनिशियल पार्ट में आपने बोला था कि द नेक्स्ट 15-20 ईयर्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी, तो उसको थोड़ा अगर एलैबोरेट करें. व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस? व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस आप जिस बेसिस पे बोल रहे हैं अगले 15-20 ईयर्स? सो रीजंस बहुत सिंपल है सर. सो इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए दो चीजें चाहिए आपके पास. तो मैं बोलता हूँ कि इकोनॉमी इज लाइक जस्ट लाइक एरोप्लेन विच फ्लाई ऑन टू इंजन्स. सो वन इंजन इज कंजम्पशन. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी इज US, राइट. दे आर लीडिंग फॉर लास्ट 40-50 ईयर्स. कंजम्पशन पैदा होते ही उधार लेना शुरू करते हैं वो लोग, कि जब फ्यूचर डिस्काउंटिंग, जब तक जिएंगे इतना कमा लेंगे, वो कर लेंगे, पूरा कंजम्पशन ड्रिवन. और वो कंजम्पशन आपको ग्रोथ देता है. दूसरी प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमीज, द अदर इंजन विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल इज चाइना, करेक्ट. इतना प्रोड्यूस करो, इतना प्रोड्यूस करो कि यू आर द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर. डंप करो, दो ये वो, आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, सबको आपसे लेना ही पड़ेगा. आपकी प्रोडक्शन ग्रोथ आ रही है, पैसा आ रहा है, करेक्ट. नाउ इन इंडिया वी कैन हैव बेस्ट ऑफ बोथ. वी हैव 130 crores, 1.3 billion, 1.4 बिलियन पीपल, राइट. वो तो कंज्यूम पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे. लेकिन ऑफ लेट रिसेंटली द वे फोकस इज चेंज टूवर्ड्स प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी, और उसमें बीच में चाइना प्लस वन का जो बेनिफिट हमें मिल रहा है. ग्लोबली एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इन एनी सिचुएशन इंडिया इज मच 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 मोर रिलायबल देन चाइना. जस्ट इमेजिन अगर चाइना का पाकिस्तान के साथ वो जो हमारा है, तो चाइना इतना टाइम लगाएगा? हम लोग बाई नेचर पीसफुल कंट्री है एंड विच इज लाइक बाई मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड. सो हमारे पास वो दोनों एडवांटेज हैं, और ये एडवांटेज ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहा है इंडिया में. और आई एम श्योर अगले 4-5 साल में जो प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी हमारी खड़ी होगी. सो एक और ग्लोबली हम प्रोडक्शन ग्लोबल ग्रोथ का फायदा हम प्रोडक्शन करके उठाएंगे,
लोकल ग्रोथ का फायदा हम कंजम्पशन से उठाएंगे, हमारे पास 150 करोड़ लोग होंगे, आपके हमारे सबके सहयोग से बढ़ेंगे ना 10-20 करोड़ तो और। तो ऐसे में आपके पास वो चीज़ है जो किसी भी कंट्री को टॉप पे ले जाने के लिए चाहिए, एंड आई एम श्योर अगले कुछ सालों में ये हो गई होगा। सो दैट इज़ वॉट माई आइडिया इज अबाउट। बाकी सारी चीज़ें पॉलिसीज गवर्नेंस ये सारी तो होंगी, दीज आर बाई प्रोडक्ट्स, बट मेनली आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन दैट टू रीजन्स। ये तो इकोनॉमी की बात है, और ज़्यादा मार्केट की बात है, आप हम सब लोगों ने जितना पैसा इस वक्त इक्विटी मार्केट में लगाया है, आप सोचिए ना अगर 2.5 लाख करोड़ का बेच के जाए FIs और हमारा मार्केट 15% ही गिरा है, ऐसा पहले कभी हुआ है क्या? पहले तो बेच ही नहीं पाते थे बेचारे, अब बेच तो पा रहे हैं कम से कम। तो हमारी अपनी ताकत है, इवेंचुअली हमारा इनकम लेवल वो होगा जो डेवलप कंट्रीज में होता है, वी विल हैव एम्पल मनी टू इन्वेस्ट। इस प्रॉब्लम क्या हम लोग सोचते ही नहीं है ना एक्चुअली। मुझे आप बताओ, आप में से कितने लोग हैं सोचते हैं कि यार मुझे अमेजोन में पैसा लगाना चाहिए, नेटफ्लिक्स में लगाना चाहिए, फेसबुक में लगाना चाहिए? हार्डली 2-5-10 लोग सोचते होंगे, क्योंकि हमारी थॉट प्रोसेस और हमारा विजन ही नहीं है, हमें पेंटाफोर सिल्वर लाइन से बाहर नहीं निकलना है। प्रॉब्लम यह है कि अगर हम सोचेंगे कि हम दुनिया में ताकत बन सकते हैं, अगर हम ये सोचेंगे हम बाहर के देशों में जाके हम पैसा लगाएंगे, हम FIs बनेंगे उनके वहां की, तब तो बनेंगे ना, सोचेंगे ही नहीं तो बनेंगे कैसे? और कोई ऐसा हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, सबसे ज्यादा दुनिया में सोना कहाँ है, गोल्ड किसके पास है? आप गोल्ड को करो इक्विटी में कन्वर्ट, देखो क्या होता है, 50,000 के पहले निफ्टी रुक जाए तो बता देना। थैंक यू वेरी मच। हेलो अनिल सर, हेलो अनिल सर, सिटी ऑफ जॉय में आपका स्वागत है सर। आपके लिए कुछ मैंने लिखा है, वो पढ़ने की इच्छा है, पढ़ूं? शेयर बाजार के गुरु, जी बिजनेस को शिखर पर पहुंचाने वाले, सबके पसंदीदा, प्रेरणादायक, हसमुख मिजाज, जमीनी स्तर से जुड़े हुए, इतने व्यस्त समय में समय निकालकर हर व्यक्ति को सही उत्तर देने वाले, प्रत्येक दिन योगा करने वाले, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेस चैनल के नंबर वन एंकर श्रीमान अनिल सिंघवी सर को मेरा प्रणाम और चरण स्पर्श। थैंक यू सर फॉर योर वंडरफुल सेशंस। अनिल सर को थोड़ी एक जरूरी मीटिंग आ गई है, तो वो 15-20 मिनट के लिए एक मीटिंग अटेंड करेंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट की काइंडली उनको डिस्टर्ब नहीं करें। हाँ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सेठी साहब का बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है। हाँ, मुझे खुद को देखना था कि 4-5 सवाल मैं भी पूछ पाऊँ उनको, अनफॉर्चुनेटली मुझे एक कॉन कॉल थोड़ा सा ज्वाइन करना है, मैं 15 मिनट का कॉन कॉल ज्वाइन करके वापस आ रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, मेरा फेलिसिटेशन पे भी हुआ नहीं, उसके बगैर जाऊँगा नहीं मैं। थैंक यू सर। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर विकास सेठी सर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सेठी फिनमार्ट, काइंडली स्टार्ट योर डेलीगेशन सर। गुड आफ्टरनून कोलकाता। पहले तो अनिल जी को सुनने के बाद अब मेरा काम और मुश्किल हो गया है, एक तो बोलने के लिए उन्होंने मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो मैं तो जो बोलूँगा आपको लगेगा रिपीटेटिव है, बिकॉज एक तो व्यूज़ हमारे मिलते जुलते ही हैं बाजार को लेके भी, और ओवरऑल जो सिनेरियो है इकोनॉमी को लेके भी सब व्यूज सिमिलर है, तो बट फिर भी मैं अच्छा, एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजर्स, पर्टिकुलरली मिस्टर नितेश मोर एंड द अदर ऑफिस बेयरर्स हु हैव इन्वाइटेड मी टू एड्रेस सच एन ऑगस्ट गैदरिंग। बाकी वॉट आई प्लान टू डू इज, अनिल जी ने इनफॉर्मली आपके सब क्वेश्चंस को अच्छे से एड्रेस किया है, और मुझे नहीं लगता अब आपके पास और कोई क्वेश्चंस बचे होंगे, अदरवाइज आप उनसे पूछ ही लेते। बट वंस आई हैव डन विथ माय प्रेजेंटेशन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कुड सर्टनली आस्क मी, एंड आई विल ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबल।
Okay, this slide says, this may not be relevant for the gathering out here because मुझे पता आप सब chartered accountants हो और आज आप यहाँ जब आए हो तो more or less सब investment करते हो, इसीलिए आप आए हो यहाँ पे. तो ये बाजार में सबसे पहला काम तो यही है कि आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है. कई लोग, कई जगह हम जाते हैं जहाँ पे वो साइड में खड़े होकर बाजार को देखते हैं, दे डोंट डाइव इनटू द मार्केट, बट दैट इज़ नॉट द थिंग यू शुड बी डूइंग. अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो पूल पे उतरना पड़ेगा, बाहर बैठ के ज्ञान लेने से इट वुड नॉट हेल्प. तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग, विच आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड बी डूइंग और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू वुड बी डूइंग. ये एक, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये बाजार में, जैसे अनिल जी ने भी बताया कि आपको एक तो सबसे बड़ा जरूरत है कि यू नीड टू हैव पेशेंस. उसेन बोल्ट को हम जानते हैं, ही वन 8 गोल्ड मेडल्स इन 3 ओलंपिक्स एंड पूरे ट्रैक पे ये 8 गोल्ड मेडल जीतने के लिए उसने सिर्फ 2 मिनट तक रन किया है, 2 मिनट तक, बट वो करने के लिए उसको 20 साल की कड़ी मेहनत लगी. सो इस तरह का ये बाजार है, मतलब यू नीड टू हैव पेशेंस. और जैसे कहते हैं कि इन द स्टॉक मार्केट्स वेल्थ गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट, सो यू नीड टू बी पेशेंट टू बी एबल टू जनरेट वेल्थ इन दिस मार्केट. ये इट्स अ कॉमन एडेज विच इज नोन टू ऑल ऑफ यू, जो वॉरेन बफे का कोट है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल. दैट इज एग्जैक्टली वॉट अनिल जी वॉज ऑल्सो सेइंग, कि जब बाजार में सिनेरियो खराब है तब आपको खरीदारी करनी चाहिए. लाइक द सिचुएशन वी आर इन टूडे, आई डोंट मीन टू से कि द मार्केट्स कैन नॉट गो डाउन फर्दर, देर इज एवरी लाइकलीहुड कि बाजार यहाँ से और भी कुछ करेक्ट हो जाए, बट द काइंड ऑफ करेक्शन विच वी हैव ऑलरेडी सीन एंड द काइंड ऑफ वैल्यूएशंस विच आर देयर एंड द काइंड ऑफ एनवायरमेंट विच वी आर इन टू व्हेन पीपल आर पैनिकिंग, चारों तरफ पैनिक है, लोगों के पैसे लग रहे हैं, तो इस तरह के बाजार में आपको निवेश शुरू करना चाहिए. सो मीनिंग व्हेन others are fearful, you should be greedy, meaning you should be getting into stocks, and when others are greedy, you should be fearful. मतलब euphoria time पे when nobody is willing to get out of this market, सबको लगता है और बढ़ेगा, तो that is the time when you should be cautious. Okay, golden rules of investing, they would be pretty much avoid the hard mentality, that is the same as what I was saying earlier, कि आपको एक hard mentality नहीं रखनी है. मतलब जब लोग सब दुनिया ये सोच रही है बाजार क्रैश हो जाएगा और खराब हो जाएगा और खराब हो जाएगा, तो that is the time when you need to be doing something different from what everybody else is doing. तो आपको इस mentality से दूर जाना है. टेक इन्फॉर्म डिसीजन्स, हम कुछ भी बोलते हैं टीवी पे, कई स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं, यू ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई फील कि आप लोग मेरे से ज़्यादा बैलेंस शीट पढ़ सकते हो, तो जब हम कुछ बोलते हैं डू योर ओन रिसर्च, इट्स वेरी इजी दीज डेज, आप नेट पे जाओ, गूगल करो एंड यू कैन फाइंड आउट डिटेल्स रिगार्डिंग अ कंपनी. सो डू योर ओन रिसर्च एंड देन टेक अ डिसीजन. इन्वेस्ट इन बिजनेसेस यू अंडरस्टैंड, मतलब जैसे होता है कि आजकल बिजनेसेस यू अंडरस्टैंड, मीनिंग सपोजिंग किसी ने मुझे बोला आप क्रिप्टो में निवेश करते हो क्या, तो क्रिप्टो अगर मुझे समझ नहीं आता तो आई डोंट डू एनीथिंग, आई कुड बी रॉन्ग. क्रिप्टो हैज गिवन ट्रिमेंडस रिटर्न्स ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, बट सिंस आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि उसमें बेस क्या है, हाउ डू यू वैल्यू इट, सो आई डू नॉट वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन इट. सो दैट इज वॉट यू शुड ऑल्सो बी डूइंग. डू नॉट ट्राई टू टाइम द मार्केट, तो यही मतलब इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू गिव टाइम टू द मार्केट देन टाइमिंग द मार्केट. इट्स नॉट पॉसिबल टू टाइम द मार्केट, हम भी नहीं कर सकते, एंड जो क्लेम करते हैं वो गलत क्लेम करते हैं. इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज हु न्यू इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी कि आप ये यूक्रेन और रशिया हो जाएगा. तो अगर आपको कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है, कोई कंपनी अच्छी लग रही है, तो आपने उसको वैल्यूएशन देखा, वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है. और एक और बात, ये बाजार एक इकलौता, स्टॉक मार्केट इज द ओनली मार्केट जहां पे जब सेल लगी होती है तो वी आर ऑल स्केर्ड, वी डोंट बाई. मतलब आप दूसरी कोई भी बाजार में जाओ, कोई स्टोर में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हो, सेल लगी होती है तो हम ज्यादा खरीदते हैं, बट यहां पे जब सेल लगी होती है, जो आज का सिनेरियो है, वहां पे हम भागते हैं एंड वी आर स्केर्ड ऑफ दिस मार्केट. सॉरी,
There's some noise from there. Yeah, if you could say. Thanks. यही प्रॉब्लम होती है जब डेढ़ घंटा सुन चुके हो और अनिल जी को सुन चुके हो तो लोगों को हमारा काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है. यू नीड टू डाइवर्सिफाई डिपेंडिंग ऑन योर एपेटाइट. डाइवर्सिफाई मीनिंग जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन किया कि ऐसा होता है, हम लोगों के साथ भी होता है, सबके साथ होता है कि यू गेट इनटू अ स्टॉक वो बाद में खराब हो जाता है. तो व्हेन यू आर डाइवर्सिफाइड तो आपका रिस्क जो है वो कम होता है. म्यूचुअल फंड्स के साथ भी होता है कि ऐसा नहीं कि हिमाचल या डीएसक्यू या पेंटाफोर या सिल्वर लाइन उन्होंने उस समय नहीं लिया होगा या सत्यम नहीं लिया होगा, तो वो चूंकि दे आर डाइवर्सिफाइड एंड फॉर्म्स ओनली 1-2% ऑफ देयर पोर्टफोलियो, तो इट डज मैटर. यू नीड टू डाइवर्सिफाई बट टू मच ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑल्सो डज नॉट पे. आपका पोर्टफोलियो की साइज देखते हुए जितनी बड़ी साइज का पोर्टफोलियो उसके हिसाब से, एंड आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट आपके पास स्टॉक्स उतने ही होने चाहिए जितने आप मॉनिटर कर सको. मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपने राइट टाइम पे एक राइट स्टॉक को खरीदा, वो ऊपर भी गया, बट सिंस देर आर टू मेनी स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो यू डोंट गेट टू नो कि इट हैज परफॉर्म रियली वेल एंड यू फॉरगेट टू गेट आउट ऑफ इट डिस्पाइट द फैक्ट कि यू फील कि वैल्यूएशंस ज़्यादा हैं और सिनेरियो चेंज हो गया या कुछ नेगेटिव न्यूज आ गई, बट स्टिल यू डोंट गेट आउट ऑफ इट. सो टू मच ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑल्सो डज नॉट पे. यू शुड बी ओनली डाइवर्सिफाइड टू एन एक्सटेंट जहां आप अपने स्टॉक्स को मॉनिटर कर सको डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर पोर्टफोलियो. हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो अनिल जी ने भी बहुत एम्फोसाइज किया, एंड मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, वॉरेन बफे इज द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर एवर, बट उसने भी अपने लाइफ टाइम में जो रिटर्न्स जनरेट किए हैं वो जो CAGR कंपाउंडेड जो रिटर्न बोलते हैं दैट इज नॉट मोर देन 14-15%, बट स्टिल ही इज अमंग द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, ही इज अमंग द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड. यहाँ पे द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज द रिटर्न शुड बी कंसिस्टेंट. ही हैज बीन डूइंग दिस फॉर द लास्ट 60 years एंड दैट इज द रीजन वाई ही इज मेड सो मच मनी. सो जो रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन हैज टू बी रियलिस्टिक. 15-16% would be too good a return provided you can make it consistently. Do not leverage. ये मूल मंत्र है. इस बाजार में उधार के पैसे से इस बाजार में नहीं आना. आपको अनिल जी ने भी बोला आप F&O में जो ट्रेड करते हैं दैट इज अ सॉर्ट ऑफ लेवरेज ओनली, तो वो दैट इज नॉट द ये स्पेशलाइज्ड लोगों का काम है जो ट्रेडिंग करते हैं जो कर सकते हैं उनके लिए ये, या फिर करो तो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करो. सो आई वुड एडवाइज यू नॉट टू बी लेवरेजिंग. उधार के पैसे से इस बाजार में नहीं आना. अपने पैसे विच यू कैन फॉरगेट फॉर द नेक्स्ट से 2 years, 3 years, 5 years, उस तरह के पैसे से आप निवेश करिए. रीड एंड रीड. आपको पढ़ते रहना है बिफोर टेकिंग अ डिसीजन. ट्राई टू गेट इन टू, हम कुछ भी बोलें, डू योर ओन होमवर्क. एंड आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो एंड आई फील यू नो मच बेटर देन वी डू, तो उसके बारे में जानकारी हासिल करें. एंड फाइनली मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट्स रेगुलरली. तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करना बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक अभी कोई कह रहे थे कि L&T इन्फोटेक लिया 2000 में, 8000 गया, 4000 आ गया, अब नाउ ही इज पैनिकिंग, although he still doubled his money. But फिर एक बार अगर आपको ये, हम TV पे चिल्ला के बोलते हैं, सब कुछ करते हैं कि भाई IT सेक्टर के लिए थोड़े डिफिकल्ट टाइम्स है, वेज हाइक हो रही है, एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा है, तो आपको फिर थोड़ा लालच कम करके आप अपने सेक्टर को मॉनिटर करो एंड ट्राई टू बुक योर प्रॉफिट एट टाइम्स. मतलब वो वाला जो पहले हम बोलते थे बाई एंड फॉरगेट फॉर एवर, वो हर समय इट्स नॉट एप्लीकेबल. यू नीड टू मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट्स एंड take decisions accordingly. This I'll skip because it'll take a lot of time. I'll now come to how do we identify stocks. Jo aap sabka interest bhi hoga aur aap log kar bhi sakte ho because you all are chartered accountants. Jo sabse zaruri cheez hum ek company ya ek stock mein dekhte hain wo promoter ki quality dekhte hain ki jo promoter hai they should be strong, capable, honest and have a vision. तो प्रोमोटर की क्वालिटी एबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड बी लुकिंग एट अ कंपनी व्हेन यू वांट टू इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक. देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. एक कंपनी के पास अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं.
प्राइजिंग पावर है या कोई भी एक यूनिकनेस है, स्पेशलिटी है, सो दैट ऑलवेज पेज ऑफ. स्ट्रांग प्रोमोटर होल्डिंग एंड लो प्लेज. जब प्रोमोटर होल्डिंग ज़्यादा होती है दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि प्रोमोटर्स आर देल वर्क फॉर देमसेल्स. वेन देर दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्स एंड इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन टू दैट कंपनी देन देर आर लाइकली चांसेस दैट यू विल मेक मनी आउट ऑफ इट. और उनका जो प्लेज है वो भी देखते हैं कि प्लेज कम होना चाहिए. देर आर लॉट ऑफ कंपनीज जहाँ पे प्रोमोटर्स ने बहुत हेविली प्लेज्ड होते हैं. तो वो सब कंपनीज को वी नॉर्मली एडवाइस यू टू अवॉइड. तो और प्लेज भी जो भी थोड़ा बहुत भी किया हुआ उसका रीज़न क्या है, कोई पर्सनल अपना कोई मोटिव नहीं हो, कोई चैरिटी के लिए करता है, कुछ करता है, तो दैट्स ओके. बट ज़्यादा प्लेज वाली कंपनी को हम रिकमेंड नहीं करते बिकॉज आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. यू डोंट नीड टू गेट इन टू दिस काइंड ऑफ कंपनीज. अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, लो डेट एंड एक्सपेंशन विद इंटरनल एक्रूअल्स. ये वही है कि जैसे मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आपको इस बाजार में लेवरेज नहीं करना, उधार के पैसे से नहीं आना, वैसे ही जिन कंपनियों में ज़्यादा डेट है, जो हाईली लेवरेज्ड है, उनको अवॉइड करना चाहिए. एक फाइनली मैं एक आपको मंत्र दूंगा विच वुड हेल्प यू इन रिमेंबरिंग व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट अ कंपनी सम क्राइटेरिया विच शुड बी लुकड एट एंड देन बैलेंस. आप फिर उसमें अगर पास नहीं होते तो उन कंपनीज को अवॉइड करिए. वैल्यूएशंस नीड टू बी अट्रैक्टिव विच आप सबको पता है. रिटर्न रेशियोज शुड बी हाई, ग्रोथ सेक्टर, पॉजिटिव कैश फ्लोज, शेयर होल्डर फ्रेंडली, डिविडेंड पॉलिसी शुड बी गुड. डिविडेंड पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए बिकॉज कंपनी के कई बार ऐसे होता है ना कि आप अकाउंट्स अगर वो कुछ ठीक से अगर मैनिपुलेट भी करते हैं तो डिविडेंड कैन नॉट बी पेड अनलेस यू हैव कैश विथ यू. तो वो इट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर. कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही है बहुत सारा बट डिविडेंड ही नहीं देती है, तो व्हाट डू दे डू, तो दैट गिव्स यू एन इंडिकेशन कि कुछ गड़बड़ हो सकती है. सो वो आपके स्ट्राइक होना चाहिए, आपको क्लिक होना चाहिए. एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस पे ध्यान देना है. एनी कंपनी विच डज नॉट हैव गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस नीड्स टू बी अवॉइडेड. उसको आप जानने के लिए जब आप एनुअल रिपोर्ट्स देखते हो तो इंटर कंपनी ट्रांसफर्स, इंटर फैमिली ट्रांजेक्शन्स है, इस तरह के जो कंपनियाँ होती है, तो इन सबको अवॉइड करना है. या रेगुलरली आपके CFO बदली हो रहे हैं, CEOs बदली हो रहे हैं, तो वो क्या कारण है, दैट शुड बी लुक्ड एट. और बाकी फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए. सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स विच नीड टू बी लुक्ड एट व्हेन आइडेंटिफाइंग अ गुड स्टॉक एंड देन पुट योर मनी इनटू देम फॉर लॉन्ग टर्म एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू जनरेट वेल्थ आउट ऑफ इट. 10% ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग इज फाइंडिंग अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट एंड द अदर 90% इज नॉट सेलिंग देम अर्ली. ये बिल्कुल सच है. आपके पास सबके साथ ऐसे हुआ होगा कि कई सारे स्टॉक्स आप लेते हो, देवर गुड आइडियाज, ग्रेट आइडियाज, बट जल्दी निकल जाते हो, या फिर आपके कन्विक्शन के बावजूद आप उसमें अपना जो कैपेसिटी है उतना निवेश नहीं करते हो. फर्ज करो आपका पोर्टफोलियो 50 लाख रुपए का है और आपने कोई अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई किया और उसमें अगर 1 लाख रुपए ही डाला तो वो अगर 10 गुना भी हो गया तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में रिटर्न उससे नहीं बनेंगे. तो व्हेन यू हैव कन्विक्शन इन एन आइडिया देन मेक सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन दैट एंड होल्ड ऑन टू दैट. जल्दीबाजी मत करो उसको बेचने में बिकॉज अनलेस समथिंग गोज रॉन्ग विद द कंपनी यू डोंट नीड टू गेट आउट. मतलब थोड़ा रिटर्न मिल गया एंड देन एंड इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. जी लोग सोचते हैं कि हम एक बार बेच देंगे फिर नीचे आएगा फिर ले लेंगे. इफ यू हैव इन्वेस्टेड into a company from a long-term point of view, do not ever try doing that. Simply own great businesses that enjoy high returns on capital and hold them for decades. ये मूल मंत्र जो भी successful investors है उन्होंने ऐसे ही किया है. आज राकेश झुंझुनवाला जी को हम example देते हैं तो Titan is holding Titan since donkey number of years. As long as उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होती है he doesn't sell it. The earlier you sell your losers, the sooner you would get back on the path of compounding. जो आपके decisions गलत हो गए just admit, वो आपको admit करके उस stock से निकलना है. गलती सबसे होती है, हमसे भी होती है. अगर आपने किसी stock में निवेश किया और बाद में मालूम पड़ा कि it was a bad investment, you are losing, get out of it. And then only you would be able to make an investment into your choice kind of company and stay put with that for long term and generate wealth. So compounding is, as we all say, it's the eighth wonder.
एंड वो आपको उसका जो फ्रूट है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अर्ली इन्वेस्टमेंट से ही दिखेगा एंड वो करना है. द टू बिगेस्ट इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स आर पैनिक बाइंग एंड पैनिक सेलिंग. कोविड के टाइम पे दिस थिंग हैपेंड. पैनिक था, लोगों ने पीपल स्टार्टेड थिंकिंग दैट द वर्ल्ड इज गोइंग टू कम टू एन एंड, जो होना नहीं था. एंड लोगों को खरीदना तो दूर, जो पोजीशंस थी, जो इन्वेस्टमेंट्स थे, उसको बेच दिया पैनिक में. सो दोज आर नॉट द काइंड ऑफ थिंग्स विच यू शुड बी डूइंग. तो आप कभी भी पैनिक बाइंग पैनिक सेलिंग मत करो, और मतलब सोच समझ के करना है. हम कुछ भी बोले उस पर अपना खुद का दिमाग लगाइए, खुद भी रिसर्च करिए, पढ़िए कि. और ये इन्वेस्टिंग में कई जगह इट्स योर कॉमन सेंस विच वर्क्स. जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि जब कोविड आया तो इट वाज वेरी नॉर्मल फॉर एवरीबडी टू रियलाइज कि कोविड का जो ओरिजिन है वो चाइना का एक वुहान डिस्ट्रिक्ट है. एंड इफ यू जस्ट गूगल्ड कि वुहान में क्या होता है, तो यू वुड हैव मेड आउट कि वुहान इज अ डिस्ट्रिक्ट वेयर APIs आर मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सपोर्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए था कि यू कुड लुक एट कंपनीज एल्सवेयर हु वेयर इनटू सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेसेस. जब वुहान बंद है, चाइना में लॉकडाउन है, कोविड आ गया है, तो कंपनीज एल्सवेयर स्टैंड टू बेनिफिट. सो वो मैंने भी उसको लॉजिक को कैपिटलाइज करते हुए कई स्टॉक्स रिकमेंड किए. तो इट वॉज कॉमन सेंस कि आप एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी भारत में भी आप खोजो विच इज इनटू एपीआई एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड यू विल मेक मनी. सिमिलर केस वुड बी कि जब व्हेन पूरी दुनिया ये चाइना से आइसोलेट, चाइना को आइसोलेट कर रही थी एंड दे वर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी एल्सवेयर, जो चाइना प्लस वन की हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो फिर भारत में जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियां थी दे वेर टू डू वेल, देर वॉज नो डाउट अबाउट इट. एंड आप में एग्जाम्पल्स लाइक डिक्सन और एन अंबर इंटरप्राइजेस, वो आप ओवर द नेक्स्ट सिक्स मंथ्स, नेक्स्ट वन ईयर दे बिकेम 10 baggers, 20 baggers. तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कॉमन सेंस पेज, और वो जो हम सबके पास है बट वी डोंट. आप शॉपिंग करने जाते हो उस समय देखते हो कोई नया प्रोडक्ट आया, नया ब्रांड आया, नई कंपनी है बट उसका ब्रांड अगर चल रहा है, तो आपको फाइनेंशियल्स डू मैटर विच आप कर सकते हो. यू आर ऑल क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बट देन दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो शुड कम टू योर माइंड, दीज काइंड ऑफ आइडियाज शुड कम टू योर माइंड एंड यू शुड कैपिटलाइज ऑन दम. फाइनली व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म देर इज नो बैड टाइम टू गेट इन द मार्केट. आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो तो कोई समय खराब नहीं है. आपको जब रिटर्न्स भी आप डबल करने की सोचते हो तो 5-10% ऊपर नीचे हो जाए तो आपको विचलित नहीं होना चाहिए. तो नो टाइम इज बैड. आपका स्टॉक सिलेक्शन करेक्ट होना चाहिए. वैल्यूएशंस जरूर देखना है कि भाई एग्जॉर्बिटेंट वैल्यूएशन पे कोई स्टॉक पे एंट्री नहीं करें. बट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म देर इज ऑलवेज गुड टाइम इन द मार्केट टू बाय इन टू स्टॉक्स फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू. यू शुड इन्वेस्ट वॉट एवर अमाउंट यू कैन वेन एवर यू कैन. If you don't have a lump sum to invest, doing an SIP is the best strategy. Ye ho sakta hai, may not be applicable to today's gathering because you all are qualified people. But jo naye naye aate hain bazaar mein, unko yehi kehte hain ki aap SIP karo, chahe mutual funds mein karo, ya fir meri to ye bhi raay hoti hai ki kai jaise achhi quality ke stocks hai, aapko different Anil ji ne kai sectors bataye which look good. Un sectors ki jo leading companies hai, unme aap monthly SIP shuru karo and just कंटिन्यू डूइंग इट. डोंट स्टॉप इट वेन द मार्केट्स आर इन पैनिक मोड. उस समय तो आपको फिर आपके ज्यादा ताकत से आपको लमसम करके ज्यादा करना है. बट द इट्स अ फेलेसी कि पीपल डू इट द अदर वे राउंड. जब पैनिक होता है तो दे डिसकंटिन्यू विद देयर SIPs. तो वो नहीं करना है. सो डूइंग एन SIP इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर दोज ऑफ यू हु आर नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ द मार्केट और हु डू नॉट नो मच अबाउट द मार्केट्स. टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन timing the market. Do not ever try to time the market. Nobody has been ever able to do it. We do not claim we can do it, or neither can anybody else. Or jo bolte hain wo galat bolte hain. To aapko timing possible nahi hai, aapko bazaar ko time dena hai. Matlab bazaar mein aate hain ki
आपको एक महीने में डबल करना है या छह महीने में डबल करना है, उस तरह की धारणा लेके इस बाजार में आने से कुछ नहीं होने वाला। यू कुड बी राइट समटाइम, अगर आपने कोविड के दौरान जो फॉल आया था, अनिल जी को सुन लिया कि आप जोर से पैसा डालो, और फिर वो आपने लिया, इन्होंने खुद ने बोला 5 साल लगेंगे, 6 साल के लिए भूल जाओ, 5 साल के लिए भूल जाओ, लेकिन 6 महीने में आपको वो रिटर्न बन गया, दैट्स योर लक। तो वैसा होता, बट देन इट्स नॉट पॉसिबल टू डू इट ऑल द टाइम। वो एक गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी, ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी, जिसको किसी ने कैपिटलाइज कर लिया तो इट्स ओके, बट देन आपके लिए इस बाजार में आओ तो एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन के साथ, रीजनेबल रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के साथ आना है। दैट वॉज इट। बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आई सेड वो रेपिटेटिव लगेंगी, बिकॉज अनिल जी ने सब कुछ कवर कर दिया, मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं। बाकी इट्स ऑल योर्स, अगर आपको कोई को कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो यू कैन। सर देखिए, मेरी जो क्लियर कट राय है कि मैं तो बोलूंगा दूर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। वैल्यूएशंस के लिहाज से काफ़ी स्टॉक्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, और फिर कई जो कंपनियां ज़्यादातर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या इन पे डिपेंडेंट होती है या उनसे मोटिवेटेड होती है, उनको थोड़ा आपको ट्रेड कर लो, इफ़ यू आर राइट, आपके टाइमिंग हो जाए, कुछ हो जाए, जो कर सकते हैं अगर कोई तो करें, बाकी आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दीज स्टॉक्स। सर एक क्वेश्चन आपसे भी है और अनिल सर से भी है, ये IPO का जो वैल्यूएशन हो रहा है, उस वैल्यूएशन को एक स्मॉल इन्वेस्टर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये ओवर वैल्यूएटेड कंपनी है? सर कर ही नहीं सकते आप, पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। सर ये तो इन्वेस्टर के साथ चीटिंग हो गया ना सर? नहीं, चीटिंग तब होता है जब आप, चीटिंग ही कर रही है, चीटिंग तब होता है जब आप अप्लाई करते हैं। हम लोगों के सामने एक बड़ा एग्जांपल है पेटीएम का। नहीं, चीटिंग आप तब होता है जब आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई नहीं करेंगे तो चीटिंग ही नहीं होगा ना। सी क्या होता है, ये चीज मैंने, इस बात को मैंने सेबी में भी स्ट्रांगली रखा है, और ये रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ गलत हो रहा है, और मैंने एक दो बार इसकी आवाज़ भी उठाई चैनल पे भी। होता क्या है, जो भी कंपनी IPO लाती है, वो जब फंड मैनेजर से मिलती है, रोड शोज करती है, तो वो क्लियरली बोलते हैं कि हमारे 1 साल 2 साल 3 साल के प्रोजेक्शंस ये हैं, प्राइवेटली बताते हैं। लेकिन सेबी के रूल्स ऐसे हैं कि आप पब्लिकली प्रोजेक्शंस नहीं दे सकते। पहले एक ज़माने में, आप में से काफ़ी सीनियर इन्वेस्टर्स हैं, वो जानते हैं कि पहले प्रोजेक्शंस आते थे 3 साल 5 साल, ऐसी पिक्चर बताते थे, मतलब अगला रिलायंस तो यही बनेगा, अगला HDFC बैंक यही बनेगा, है ना, अगला लीवर यही है। तो लोगों को लगता, अरे वाह, इतनी बढ़िया कंपनी, इतना तगड़ा प्रोमोटर, वो देख कर लोग पैसा डालते थे। फिर सेबी को समझ में आ गया ये तो गलत है, प्रोजेक्शन बंद करो। तो बंद तो हो गए पब्लिकली, लेकिन प्राइवेटली अब भी होते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स को वो अप्रोच नहीं है कि कंपनी से डायरेक्टली पूछ ले कि क्या प्रोजेक्शन है। हमें भी कोई प्रमोटर मिलने आता है, प्राइवेटली सब बताता है अगले साल इतना करेंगे, 2 साल इतना करेंगे 3 साल, लेकिन TV पे पूछोगे तो नहीं बताएगा, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन है। तो मैं ये चाहता हूँ, या तो सब जगह बंद हो या सब जगह आए। वो ज़माना अलग था जब प्रोमोटर्स कुछ भी बोलकर निकल जाते थे, अब ज़माना अलग है। अब अगर कोई प्रमोटर प्रोजेक्ट करना चाहता है तो करने दो, या फिर इतना रूल रेगुलेशन होना चाहिए कि वो प्राइवेटली भी किसी को ना बता सके, तभी रिटेल इन्वेस्टर्स और बड़े इन्वेस्टर्स एट पार होंगे। बराबर है ना भाई, डेमोक्रेसी है, मेरा एक वोट है, आपका वोट है, मोदी जी का भी एक ही वोट है, सब बराबर है। रिटेल इन्वेस्टर एक शेयर खरीदता, उसको भी उतना ही पावर होना चाहिए जितना कोई 1 लाख शेयर खरीदने वाला फंड मैनेजर्स को। भेदभाव किस बात का, तो इन्फॉर्मेशन मिले तो सबको बराबर मिले। जिस दिन ये हो गया, उस दिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब रहा सवाल महंगे सस्ते का, देखिए ये तो ऐसा है ना कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बीहोल्डर। आपको कोई भी आपको जबरदस्ती नहीं बोल रहा कि आप पेटीएम में, LIC में या किसी XYZ में पैसा लगाइए, डिसीजन आपका है। कौन से भाई साहब जिन्होंने बोला पेटीएम का, जरा एक बार खड़े तो होइए ना, कम से कम मैं देखूं। अच्छा लास्ट में, ओके सर ये बताइए, आपने IPO में क्यों पैसा लगाया पेटीएम में? पहले भी कभी लगाया होगा, पैसा बना होगा ना, राइट? बना या नहीं बना? तो जब पैसा बना तब तो कभी ख्याल नहीं आया कि थोड़ा सेबी को भी दे दूं, भारत सरकार को भी दे दूं। सी अल्टीमेटली देखो क्या है,
सिंपल से कड़वी बात बोल रहा हूं, आपको बुरा लगेगा, मैं जो भी कर रहा हूं खराब, जो अच्छा कर रहा हूं वो मेरी काबिलियत है, मेरी स्किल से मेरा नसीब है, मैं जो भी खराब कर रहा हूं उसके लिए जिम्मेदार कोई और है, ऐसा कैसे चलेगा सर? किसी ने भी किया हो, मैंने किया हो, चलो मैंने किया, चलो मान लो, राइट, लेकिन पैसा तो आपका है ना। आप बात सुन, मैंने पेटीएम पे अवॉइड किया ओपिनियन दी थी, अगर आप लोगों को याद हो, सिर्फ वैल्यूएशन के। अब सारे लोग थोड़ी मेरे सुनते हैं, मुझे पता है, और कई बार हम भी गलत हो जाते हैं। LIC मैंने कहा था लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए, मुझे थोड़ी पता लिस्टिंग के बाद 30% निकल जाएगा, और होता तो मैं यही बोलता था लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, लेकिन लिस्टिंग के बाद लेना है। सो हर वक्त हम परफेक्टली कोई चीज को, आप किसी बिजनेस को एनालिसिस कर सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सी चीज इसमें मैं आपको, मुझे किसी को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आप ही को डिफेंड कर रहा हूं, वो ये है कि किसमें पैसा लगाना है नहीं लगाना है, ये अल्टीमेटली आप ही को डिसाइड करना है, कोई कुछ भी कहे, जहां कंफर्ट नहीं है नहीं लगाना है, सिंपल सी बात ये। और पेटीएम से देख के हमने उसी समय डिसाइड कर लिया कि ये न्यू एज IPO जितने आ रहे हैं, जो लॉस मेकिंग है, मैं रेटिंग दूंगा ही नहीं सब्सक्राइब करने की, मैंने दी नहीं किसी में। आपको याद होगा IPO कौन सा भी आया था, सेठी साहब एक IPO जिसमें मैंने प्रोमोटर को सीधा ये पूछा, आपको जल्दी क्या IPO लाने की, प्रॉफिटेबल हो जाओ ना, 3 साल की तो कंपनी है, हाँ। इतनी हड़बड़ी क्या है, मैं पूछता हूँ खुल के। अब यार उतने में आप समझ जाओ ना कि मैं क्या कह रहा हूँ, अब आप क्या चाहते हो, मतलब मैं पब्लिकली उसको बिल्कुल ऐसा तो नहीं ना, समझो, थोड़ा समझा करो जी। नहीं, और एक और बात है इसमें, जब कोई IPO 21,000 करोड़ का IPO है, आपको मालूम है अप्लाई करोगे लगना है, फिर आप लिस्टिंग गेंस के हिसाब से तो उसमें अप्लाई करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता, कि लिस्टिंग गेंस तो होना नहीं है, मतलब चाहे वो LIC हो चाहे वो पेटीएम हो, कि जब इतना बड़ा IPO है जो अप्लाई करेगा उसको आएगा ही, तो फिर इट डजेंट मेक यू मनी ऑन लिस्टिंग। बाकी ये हमने रिलायंस पावर के केस पे भी देखा उस समय यूफोरिया के टाइम पे, और जब बाजार में यूफोरिया होता है तो फिर जब IPO आते हैं ना, तो उसमें थोड़ा वन नीड्स टू टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और ये न्यू एज बिजनेसेस को तो वैल्यू करना वैसे ही इट्स नॉट पॉसिबल, तो वो एक डिफिकल्टी थी। बाकी LIC का सिंस द IPO वॉज बैड, फिर देवर अनफॉर्चुनेट कि उसके तुरंत बाद ये रशिया यूक्रेन हो चुका था, और उसके बाद उस दौरान आया तो मार्केट सेंटिमेंट्स वेयर बैड, बट द बिजनेस मॉडल अच्छा है, लॉन्ग टर्म बिजनेस है, तो जिन्होंने LIC में अप्लाई किया है वो अगर बने रहेंगे, साल दो साल देंगे, तो मुझे लगता है उनको नुकसान नहीं होगा। सॉरी, नहीं वो नया वाला सवाल पूछे, हो गया ये वाला। सेठी साहब को, सेठी साहब के साथ मैं खड़ा हूँ, चिंता मत करो। हाँ ये पूछिए, आवाज आ रही है, आप खड़े हो जाइए। वही मैंने बोला कि अनिल जी से सब क्वेश्चंस हो ही गए हैं, तो कोई क्वेश्चंस किसी के बचे नहीं होंगे, इन्होंने काम कुछ छोड़ा नहीं। हेलो। तो सेठी साहब को मेरे साथ में लाए इसीलिए तो बोलते हैं। नहीं, रोज ही बोलते हैं हम तो, स्टॉक्स रोज ही देते हैं स्टॉक्स, तो उनको नोट करो, वो उस यूफोरिया में मत चढ़ो, शांति से बैठो, नोट करके रखो एंड लो। खैर, व्हाट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज, जो मेरा भी व्यू है ऑन द मार्केट्स, अनिल जी ने अपना व्यू दिया, एंड आवर व्यूज आर प्रीटी मच सिमिलर इन द सेंस कि वी आर बुलिश ऑन द मार्केट्स फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, शॉर्ट टर्म जायरेशंस रहेंगे, और ये जो फॉल आया है जिन लेवल्स पे है, फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे अब हम आ गए हैं। आज आप अगर निफ्टी का PE देखेंगे तो 1 ईयर फॉरवर्ड वुड बी अराउंड 16-17 टाइम्स, विच इज़ वेरी रीजनेबल। फिर आप अगर इसको दूसरे पैरामीटर्स से जो दुनिया देखती है, आप अगर मार्केट कैप टू GDP के हिसाब से देखेंगे, तो वी ट्रेड एट 0.8 टाइम्स आवर GDP, विच इज़ अगेन वेरी अट्रैक्टिव। तो ये और बाकी भी हम जो फैक्टर्स देख रहे हैं, जैसे कल हम जिनके साथ आए थे नितेश जी और बाकी भी, तो हम डिस्कस कर रहे थे, जो हमारा एडवांस टैक्स का कलेक्शन आया है इस क्वार्टर का, वो इट्स गॉन अप बाय 48%, GST कलेक्शंस आर क्लोज टू 1.5 लाख करोड़। अब आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले महीनों में इस तरह का रहेगा नहीं रहेगा, दैट्स अ थिंग टू बी लुक दैट। बट अगर दुनिया भर में सेंटिमेंट्स ठीक होते हैं, ये रशिया यूक्रेन का वॉर, जो मेरा मानना है कि जल्दी ही सॉल्व होना चाहिए, बिकॉज हम जितने तकलीफ पा रहे हैं उससे ज़्यादा ये यूरोपियन कंट्रीज तकलीफ पा रहे हैं,
बिकॉज ऑफ जो कई चीज़ें वो रशिया से सोर्स करते हैं जिसके कारण वहाँ पे महंगाई बढ़ रही है. तो इट्स इन देयर इंटरेस्ट ऑल्सो टू इंश्योर दैट कि दिस डज नॉट गेट प्रोलॉन्ग. अगर वैसा कुछ होता है एंड थिंग्स कम बैक टू नॉर्मल, सो वी आर इन अ वेरी स्वीट स्पॉट. वी आर एमंग द वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज विच ग्रोज एट क्लोज टू 8%. कहाँ है, मतलब छोटे मोटे देशों को छोड़ दीजिए, बट इतनी बड़ी साइज की इकोनॉमी जो 8% पे ग्रो कर रही है, ऐसी इकोनॉमी उनके पास भी ऑप्शंस नहीं है. मतलब मैं तो कई जगह जाता हूँ तो यही बोलता हूँ, अगर आपकी बेटी ऐश्वर्या राय है तो चिंता आपको क्यों करनी है, पीपल विल कम. तो आप अगर हम ऐसे ही ग्रो करते रहेंगे तो फिर आई एम श्योर ये जो FIIs की सेलिंग ज़बरदस्त हो रही है, दे हैव नो ऑप्शन बट टू कम बैक टू इंडिया. और बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में लेने का टाइम है. यू शुड बी यूजिंग अ स्टैगर्ड अप्रोच, टुकड़ों टुकड़ों में खरीदे, बिकॉज वन डज नॉट नो कि कोई और ख़राब खबरें आती है, स्टॉक्स गिरते हैं, तो यू शुड बी एबल टू बाई इट मोर. बट कन्विक्शन के साथ जो आइडियाज़ हैं उनके साथ बने रहें और टुकड़ों टुकड़ों में इस बाजार में निवेश शुरू करें. और मुझे लगता है 80% ऑफ द पेन इज ऑलरेडी बिल्ट इन टू द प्राइस. देखिए शेयर प्राइस जो है नॉर्मली वो आपके डिविडेंड तो बहुत ही एक अच्छा इंडिकेटर है जो हम देखते हैं इन द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी. बट नॉर्मली पीपल इन्वेस्ट इन टू स्टॉक्स फॉर ग्रोथ. अगर कंपनी ग्रोइंग है तो दैट वुड गिव यू मच बेटर रिटर्न्स देन प्योरली. आप PSU स्टॉक्स के बारे में चर्चा हो रही थी, अनिल जी से क्वेश्चन किया गया था कि दे ऑलवेज अंडर परफॉर्म इन अ बुल मार्केट एंड आउट परफॉर्म इन अ बेयर मार्केट. तो वही कारण है कि आप वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत अट्रैक्टिव होते हैं. और वो भी एक बात और उस समय चर्चा नहीं हुई कि आप जनरलाइज नहीं कर सकते PSU स्टॉक्स को. देयर आर स्टॉक्स फ्रॉम सम सेक्टर्स. जो एक सेक्टर मेरा एक पसंदीदा सेक्टर है जो अनिल जी भी भूल गए, वो दिमाग से निकल गया होगा उनके, डिफेंस इज अ गुड सेक्टर टू प्ले द थीम. आप डिफेंस में कई सारी PSU कंपनीज है जिन्होंने इस बाजार में बहुत अच्छे दमदार रिटर्न्स दिए हैं, चाहे वो भारत डायनेमिक्स है, चाहे वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, सो देव डन वेल. तो वो स्टॉक्स है डिस्पाइट बीइंग PSU स्टॉक्स, देव डन वेल. बाकी ये जो कोल इंडिया है, NTPC है, ONGC है, फिर इनमें एक और प्रॉब्लम होती है कि इनके शेयर प्राइस परफॉर्म इसलिए भी नहीं करते बिकॉज जब सरकार को दरकार होती है तो एक वो डाइवेस्टमेंट का जो ओवरहैंग है वो रहता ही है कि कोल इंडिया अगर थोड़ा सेंटिमेंट्स ठीक होते हैं, सरकार को अपना फिस्कल डेफिसिट को ठीक करना है, तो उनका एजेंडे में हमेशा रहता है कि कब वो फिर एक OFS ला दें, तो वो एक तलवार लटकती रहती है. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स वाई दे डू नॉट परफॉर्म. गुड आफ्टरनून सर, अभी न्यू एज कंपनीज का बात हो रहा था तो उसी को लेकर क्वेश्चन है आपसे और अनिल सर से कि इनका दिन कब तक आएगा जो स्टार्टअप्स है, क्योंकि US में तो बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिया में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो इनका दिन कब तक आएगा और अपना क्या एक्सपेक्टेशन है कि इनको सेंसेक्स निफ्टी में कब स्पेस मिलेगा कोई भी स्टार्टअप कंपनी. इनके तो दिन आए हुए हैं, इनमें पैसा लगाने वालों के दिन कब आएंगे वो पता नहीं. आपको स्टार्टअप्स में से पैसा लगाकर पैसा कमाना है तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है, अपने से बड़ा, अपने से ज्यादा बेवकूफ ढूंढ के लाओ और उसको थमाओ. बिगर फूल थ्योरी, ग्रेटर फूल थ्योरी, ग्रेटर फूल थ्योरी, बिगर फूल थ्योरी, जो भी कह दो, उसी पे चल रहा है काम. सी पॉइंट सिंपल है, जनरली आप अपने रहने के लिए घर खरीदते, राइट? जब आपके पास बहुत पैसे हो जाते थे एक आध और खरीद के किराए पे लगाते थे, और ज्यादा हो जाते थे फिर आप हॉलीडे होम खरीदते हैं जहां आप साल में एक दो बार जाते हैं, लेकिन उसकी मेंटेनेंस, उसकी कॉस्ट, इट इज़ नॉट वर्थ. प्रोबेबली यू कैन स्पेंड हॉलीडे इन अ 5-star होटल देन मेंटेनिंग अ सेकंड होम प्रॉपर्टी, राइट? बट क्या होता है जब प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, व्हेन यू हैव लॉट ऑफ मनी. आप में से कितने लोग यहाँ पे 8 में पैसा लगाते, कोई है क्या जो 8 खरीदता हो? हार्डली, राइट?
ये सब चीज़ें आर्ट खरीदना और घड़ी खरीद के रखना इन्वेस्टमेंट के लिए, यू नो ऑल दोस थिंग्स, ये उन लोगों के काम जिनके पास अनाप शनाप पैसा है। अब मतलब सब हो गया, अब क्या करूँ, किधर डालूँ? अनफॉर्चुनेटली हम उसमें है नहीं। तो स्टार्टअप्स में भी वही वाला हाल है, जब वो अरे बस इतनी बढ़िया लिस्टेड लिक्विड स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं, आज खरीदो कल बेचो, जब मूड खड़े कि भाई नहीं अच्छा लगा नहीं, ऐसी जगह क्यों जाना है जो समझ में नहीं आती हो, ऐसी जगह क्यों जाना है जहां पर रिस्क ज्यादा है, ऐसी जगह क्यों जाना जाए लिक्विडिटी नहीं है, एग्जिट नहीं है, है तो उनकी मर्जी पे। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन टू स्टार्टअप्स, यू शुड, बट बिफोर दैट यू शुड हैव इनफ एक्सपीरियंस एंड इनफ एक्सपोजर इन लिस्टेड इक्विटीज। यू गेट माई पॉइंट? 10 स्टार्टअप में पैसा डालिए, आपका 5 से 6 में डूबेगा, जीरो जीरो डूबेगा मीन जीरो। एक दो स्टार्टअप ऐसे होंगे जो आपके लिए ठीक ठाक सा करके आपको प्रिंसिपल दे देंगे या थोड़ा बहुत पैसा। एक या दो स्टार्टअप ऐसे होंगे जो आपका 20x 40x 100x करेंगे, तब जाके आपका स्टार्टअप में पैसा बनेगा। सो डू यू हैव दैट माइंडसेट? डू यू, वो मुझे नहीं लगता आप हमारे में बहुत लोगों की होगी, या तो आपके पास बहुत ज्यादा पैसे होने चाहिए या इस तरह की माइंडसेट होनी चाहिए 6 में से 10 में से 6 डूबने मेरे, एक या दो चल गए तो ठीक है, तब आप बना लेंगे पैसा। आप ये सोचो कि मैं एक ही स्टार्टअप में पैसा डालूं और उसी में मेरा 100x हो जाए, दैट इज सिंपली इम्पॉसिबल। हो गया तो फिर आपका नसीब अच्छा है, तब इतना अच्छा नसीब है तो आप कहीं भी डालो बन जाएगा। सर गुड आफ्टरनून सर, माय बेसिक क्वेश्चन इज कि 2019 में अपना इलेक्शन हुआ था जहाँ पे बीजेपी सरकार जीती थी, फिर 2020 में कोरोना आया जहाँ पे बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिसेशन आया था, 2020 के बाद से जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स थे वो नॉन स्टॉप भागे जा रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है? पॉलिटिकल कनेक्शन? आपने खरीदे होंगे और क्या है? मैंने खरीदे। खरीदे ना आपने, खुश हो ना, फिर क्या दिक्कत है? बट वेदर देयर इज एनी पॉलिटिकल कनेक्शन इन बिटवीन, सॉरी, वेदर देयर इज एनी पॉलिटिकल कनेक्शन इन बिटवीन अदानी ग्रुप एंड बीजेपी ग्रुप? आपको मेरा सर्टिफिकेशन चाहिए इसके लिए? हेलो, अगर आपको लगता है तो है, आपको नहीं लगता तो नहीं है। और सीए कोई बिना फीस के सर्टिफिकेशन करता नहीं है भाई, बाय नेचर तो, बाय प्रोफेशन तो मैं भी सीए हूं, अगर मेरा सर्टिफिकेशन चाहिए तो चार्जेस लगेंगे। हेलो गुड आफ्टरनून, मैं आई एम रेगुलर व्यूअर ऑफ जी बिजनेस एंड आई जस्ट अप्रिसिएट द वे यू आर यू हैंडल दिस शो। एंड सबसे अच्छी बात आपकी ये लगती है कि जब वो मार्केट इतना गिरता रहता है और फिर भी आप थोड़ी हंसी मजाक की बात करते हैं तो थोड़ी राहत मिलती है। थैंक यू सर। अच्छा, मुझे भी मिलती है। माई क्वेश्चन कि जैसे कि हम लोगों के पास जो भी फंड है, वी जस्ट एलोकेट इन डिफरेंट कैटेगरी लाइक म्यूचुअल फंड और इक्विटी, डायरेक्टली इक्विटी और डेट फंड और लाइक इन फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट, तो एक्चुअली वी डोंट हैव द एक्स्ट्रा मनी नाउ, द मार्केट हैज कम डाउन। माई क्वेश्चन इज इफ आई हैव इन्वेस्टेड 20-25-30% एज यू हैव एडवाइस इन डेट इंस्ट्रूमेंट, शुड वी कम आउट ऑफ द डेट इंस्ट्रूमेंट दिस टाइम एंड इन्वेस्ट इन इक्विटी स्टैगरली और नो स्टिल वी हैव टू वेट लाइक दिस? बिकॉज एवरी वन डोंट हैव द एक्स्ट्रा मनी, ही ऑलवेज रिमेन इन्वेस्टेड। आइडल मनी मीन्स वी आर हैविंग इन फिक्स डिपोजिट। So, sir, simple answer to your question whether you should move out of debt and invest into equities, answer is yes. It is very simple answer at this point in time. But you need to assess the risk. You need to look at the age and you need to have a long-term horizon. Dekhiye, interest rates badh rahi hai. When there is a rising interest rate scenario, investing into debt is not a राइट थिंग। शॉर्ट टर्म डेट आप रख लीजिए 3-6 महीने का, वो ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट में आपका पैसा नहीं बनेगा, करेक्ट? सो इफ यू वॉन्ट टू डू FD और यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन टू लॉन्ग टर्म डेट फंड, देन इट इज नॉट राइट टाइम, आपको इंतजार करना चाहिए। रहा सवाल इक्विटी में डालने का, सर अगर देखिए सिंपल सी चीज़ें, अगर आप इतने स्मार्ट हैं कि डेट इक्विटी में आप स्विच कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट, दैट इज द बेस्ट थिंग। अदरवाइज डायनेमिक फंड्स हैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के पास, वो इक्विटी और डेट में डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन एंड वैल्यूएशन दे कीप स्विचिंग बिटवीन इक्विटी एंड डेट। आई थिंक दैट इज बेटर वे टू
यू नो मैनेज योर इक्विटी एंड डेट इक्वेशन रादर देन यू डायरेक्टली डू दैट. आई डाउट आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है सर, बट आई डाउट कि इट इज इजी फॉर अ कॉमन इन्वेस्टर टू डू दैट. तो बेटर है कि आप डायनेमिक फंड्स में डालिए, वो ज्यादा बढ़िया है, जहां इक्विटी और डेट ऑटोमेटिकली वो लोग स्विच करते हैं, वो बढ़िया है. बट हाँ, एट दिस पॉइंट इन टाइम इफ यू हैव 5 years व्यू, यू कैन मेक मोर मनी इन टू इक्विटी देन डेट अनडाउटेडली. अनिल जी नमस्कार. हम लोग रोज सुबह जब मार्केट खुलता है डाउ जोन को देखते हैं, FII को देखते हैं कि कितना गिरा हुआ है. ये कब होगा कि जब उन लोग देखे कि हमारा इंडेक्स कितना बढ़ा हुआ है कितना गिरा हुआ है, FII की पोजीशन 17% में आ चुकी है और कितना गिर के कितना गिराएंगे वो लोग हमें नहीं मालूम. उनका हार्डली 70-80 हज़ार करोड़ बाकी रहा होगा हिंदुस्तान के मार्केट में, अगर वो पूरा बेच के भी चले जाए. कितना बाकी रहा है? 70-80 हज़ार करोड़ रुपए. किसने बोला ये? आप ही शायद दो तीन. अरे प्रभु, 70-80 हज़ार करोड़ तो मिनिमम बेचे. सी जनरली FIIs इन्वेस्टमेंट जो है ना, इट नेवर गोज बियॉन्ड 18%, 17.5-18%. ओके, अभी 18.5 समथिंग लाइक दैट वो है आपका, प्लस IPO मनी. वो पता नहीं, मेरे पास फिगर नहीं कि IPO में कितना डाला है. तो 70-80 हज़ार करोड़ की तो अभी आ सकती है 1%. तो अगर बाकी 17% बेचेंगे तो हमारी ताकत ही नहीं है कि वो तो बहुत लॉन्ग टर्म मनी है, वो नहीं निकलेगा. निकलने के लिए 1 लाख करोड़ के आसपास और निकल सकता था, 1 लाख करोड़ और झेलना है हमें. रहा सवाल डाउ देखने का, नहीं देखो, एक सिंपल सी चीज है, जिसके पास पैसा है और जिसके पास पावर है उसी की पूछ है, दो में से एक चीज होनी चाहिए. तो जिस दिन हम पावरफुल हो जाएंगे, जिस दिन हम पैसे वाले हो जाएंगे, अपने आप हमको लोग पूछेंगे, तो वो ताकत बनने में टाइम लगेगा. बन रही है हमारी, इट इज़ मैटर ऑफ टाइम, और ये कोई एक दिन की प्रोसेस तो है नहीं, 10 साल. आपको बताए कि एक ज़माने में हमें लोग बोलते थे हम सोने की चिड़िया हैं. आज आप में से कोई भरोसा करने को तैयार नहीं कि हम सोने की चिड़िया थे, हम विश्व गुरु थे. करेक्ट, वो एक जो फॉल आया है और पीरियड ऑफ डिकेड सेंचुरीज, वो एक टाइम होता है. एक ज़माना था, मैं आपको बताता हूँ वर्ल्ड में कैसी चीज़ें बदलती है. एक टाइम था जब मुगल से दुनिया में लगभग हर देश में उनको जीतना है, पहुंचना है. उसके बाद ब्रिटिश आए, हर एक देश में उनकी कॉलोनी है. जो वर्ल्ड की करेंसी होती थी वो पाउंड स्टर्लिंग होती थी उस समय, राइट. हर 40-50 साल में चीज़ें इक्वेशन बदलती है. पाउंड स्टर्लिंग से बदलकर 40-50 साल का एक वो जो पीरियड आया वो डॉलर का आ गया. आज की तारीख में हर देश में अमेरिका की प्रेजेंस है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. अपना उन्होंने मिलिट्री बेस बना लिया, कहीं पाकिस्तान में, कहीं अफगानिस्तान में, कहीं ईरान में, इराक में, कहां कहां पहुंच गए हर जगह. उनका अलग तरीका था, ब्रिटिश का अलग तरीका था. अब उनका टाइम खत्म हो रहा है ग्रेजुअली, तो किसी को तो आना है. तो आने में कौन है? या तो हम आ जाए या चाइना आ जाए, अब देखते कौन आता है. तो वर्ल्ड की लीडरशिप हर 50 साल में बदलती है. आप पढ़िएगा थोड़ा इसको, मजा आएगा आपको, समझने को मिलेगा कैसे करेंसी से आप डोमिनेट करते हैं, कैसे लीडरशिप से डोमिनेट. सो पॉइंट क्या है, कोई भी देश गिरता तब है जब उसकी थॉट प्रोसेस, उसके कल्चर पर, उसकी एजुकेशन पर कोई बाहर वाला आकर अटैक कर दे और आपको यह फील करने लगे कि आप इंफीरियर है वो सुपीरियर है. और बाय नेचर हमारी प्रॉब्लम है बचपन से कि हम गोरे होने चाहिए, हमारी बीवी गोरी होनी चाहिए, बच्चे गोरे होने चाहिए, है ना? है ना? है तो है भाई, ये थॉट प्रोसेस बचपन से है. अरे भाई, अगर सब गोरे कलर से सब कुछ होता तो आज अमेरिका के सारे Fortune 500 कंपनी में इंडियंस क्यों बैठे हुए? राइट राइट फ्रॉम इंदिरा नुई टू सुंदर पिचाई. करेक्ट. और अगर अंग्रेजी बोलना ही, इंग्लिश इज जस्ट लैंग्वेज. इफ इट इज अ बैरोमीटर ऑफ योर इंटेलेक्चुअल लेवल, देन अंग्रेज सारे समझदार ही होने चाहिए, सारे एकदम ज्ञानी होने चाहिए. वहां पे भी तो ड्राइवर है, वहां पे भी तो सर्वेंट्स है. सो वी हैव टू बिलीव इन आवर सेल्फ एंड दैट पॉइंट, दैट डे विल कम एंड आई एम श्योर इट विल कम इन माइन एंड योर लाइफ टाइम, दैट वी विल सी दैट वर्ल्ड विल फॉलो अस एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड होपफुल ऑफ दिस. धन्यवाद. धन्यवाद. जस्ट वन थिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड इज, आज US इज अ कितना $13 trillion इकोनॉमी एंड वी आर ओनली $3 trillion इकोनॉमी. तो अभी इट्स गोइंग टू टेक टाइम बिफोर दे स्टार्ट फॉलोइंग अस.
बट आप हिस्टोरिकली अगर देखेंगे तो ये जो चाहे यूएस हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, सबसे बड़ा जो वेल्थ क्रिएट हुआ है इन्वेस्टर्स का, वो जब ये ट्रांजिशन हुआ है, तीन ट्रिलियन से $5 trillion की इकोनॉमी बनी है, उस समय हुआ है. द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएशन हैपेंस एट दैट टाइम. एंड वो जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे वी आर स्टैंडिंग देयर, ये तो कोविड आ गया एंड थोड़ा डीग्रोथ हो गया, प्लस कुछ स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए, वेदर राइट और रॉन्ग आई डोंट नो, बट हमारा थोड़ा ग्रोथ हैम्पर हुआ है. बट द वे वी आर ग्रोइंग, इट वुड नॉट बी लेट, और इन द नेक्स्ट से 5-6 ईयर्स वी आर सर्टनली गोइंग टू बिकम अ $5 trillion इकोनॉमी. सो स्टे पुट, बिलीव इन आवर स्ट्रेंथ एंड स्टे इन्वेस्टेड इन गुड क्वालिटी कंपनीज एंड यू विल मेक मनी. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. सदाबहार रोज 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 टीवी पे देता ही हूँ 2:30 बजे. देखो जो नहीं देखते वो देखो. 2:30 बजे देंगे अभी. इमीडिएटली 14,900 एक सब बता दूंगा, देखोगे नहीं फिर चैनल आप. ये लास्ट क्वेश्चन राज सिंघानिया जी का था. दिल में आता हूँ, समझ में नहीं आता. तो मैं जो बोलता हूँ आपके समझ में नहीं आता, लेकिन दिल में आ जाता है. और एक और अगर किसी का सामने से है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि टाइम परमिट नहीं कर रहा है, आगे भी हमारा प्रोग्राम है. हेलो, तो आप प्लीज एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. बिफोर दैट क्वेश्चन, जस्ट एक नो रिक्वेस्ट आफ्टर दैट. हमारे जो बाजार में जहां हम बैठे हैं वहां पे जो अगर बाउंस बैक भी होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म तो अच्छा ही अच्छा है. कल हमने देखा ऑल ऑफ अ सडन क्रूड हैज कम डाउन बाई 7-8% यस्टरडे नाइट. रीजन अभी तक तो मैंने डिस्कस नहीं किया कि क्या कारण हुआ, बट ये कोई रशिया यूक्रेन रिजोल्व हो गया हो, आई डोंट थिंक सो. बट स्टिल क्रूड केम डाउन क्रैशिंग बाई 8-7% यस्टरडे. तो ये अभी आने वाले दिनों में जब अगर बाजार में रिकवरी भी होगी, वी आर एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड, कोई भी ऑन द हिंट ऑफ अ पॉजिटिव न्यूज वी माइट रिएक्ट दैट वे. तो दैट इज वॉट इज माई पर्सनल फीलिंग, सो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट. और बाकी आप अगर अच्छी खबरों के इंतजार में ये सोचते हो कि वो आएगी उसके बाद करेंगे, तो वो कभी होने वाला नहीं है, बिकॉज द मार्केट ऑलवेज डिस्काउंट्स वेल इन एडवांस. कोविड के बाद जब व्हेन एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग द वर्ल्ड टू कम टू एन एंड, उस समय नोबडी एक्सपेक्टेड कि वी वुड सी द काइंड ऑफ ड्रीम रन विच इट सीन. किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स विच हैपन. सो प्लीज डू नॉट वेट फॉर गुड न्यूज टू कम, और एक स्टैगर्ड रूप में स्टार्ट इन्वेस्टिंग. हेलो सर, या मे आई आस्क अ क्वेश्चन? या लास्ट क्वेश्चन. या माय नेम इज जितेंद्र अग्रवाल, आई मायसेल्फ इज अ टेक्निकल एनालिस्ट. तो माय कंसर्न इज दैट हाउ मच वी शुड रिलाई ऑन द ग्लोबल मार्केट लाइक डाउ जोन्स नैसडैक एसजीएस क्रूड गोल्ड. तो कैन यू गिव सम हाईलाइट ऑन दैट, हाउ मच वी शुड यूज इट for our Indian market for technical analysis? Don't rely on anyone, including me. No, I am not relying. I am asking. See, whether we you should... have to rely on yourself. Yeah, I am relying on myself. But my concern is that whether ultimately वही काम आएगा life में. सुनिए, seriously बोल रहा हूँ मैं आपको. पहली चीज तो जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उनके लिए तो किसी खबर का कोई मतलब नहीं, उनके लिए चार्ट से भगवान है. सर, खबर चार्ट एंड ट्रेंड बोल रहा हूँ. चार्ट से भगवान. मैं महीने में 20 दिन एनालिसिस करता हूँ, करेक्ट? 8 दिन छुट्टियाँ समझ लीजिए, 2-4 एक दो दिन, 20-22 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है. 20 दिन के एनालिसिस में 3 या 4 दिन ऐसे होंगे जहाँ मेरी डेटा रीडिंग गलत होगी, होगी ही होगी, क्योंकि किसी दिन कोई ऐसी न्यूज़ आएगी वो न्यूज़ आपकी डेटा रीडिंग को गलत कर देगी, या कभी कभी मार्केट अपने मन से ही कि आज तो इसको मजा चखाना है, बहुत होशियार बनता है तो कर देगा, वो होगा. यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट. वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर स्किल्स. मुझे डेटा रीडिंग आती है, मुझे डेटा रीडिंग ही आती है, मैं वही करूंगा.
अगर मैं ये सोचने लगूं कि ये खबर आ गई तो वो खबर आ गई तो अरे जब आएगी तब आएगी, अब मुझे पता ही नहीं कब आएगी, कौन सी आएगी, कैसी आएगी, तो जो नहीं पता है, प्रॉब्लम हमारी क्या होती है सर, हम उस बात पे ज्यादा फोकस करते जो नहीं पता है, जो चीज हमें पता है उस पर हमारा फोकस ही नहीं है। हम कब रशिया यूक्रेन क्या होगा, अमेरिका में क्या होगा, बाइडेन क्या करेगा, ईरान का क्या, अरे भाई जब हमें ये पता है कि ये TCS बहुत बढ़िया कंपनी है, रोज प्रॉफिट बना रही है, कितना ही दोनों लड़ ले रशिया यूक्रेन इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो चीज हमें पता है वहां फोकस नहीं, जो नहीं पता है उस पर पूरी पूरा टेंशन लेके बैठे। सो आपको चार्ट्स बताया, आप सिर्फ फोकस चार्ट्स पे कीजिए, डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। एंड आई एम टेलिंग यू 30% 20% टाइम्स योर चार्ट्स वुड गो रॉन्ग, इट वुड गो रॉन्ग एंड यू कांट एस्केप, लेकिन आपको जो चीज आती है अगर आपने उसमें आपने एक्सपर्टाइज कर दी, काम हो जाएगा। 100% तो एक्यूरेसी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है सर। अगर राकेश जुंजवाला जी ने आईबुल हाउसिंग में पैसे लगाए हैं भर भर के, और मेरे जैसे आदमी ने भर भर के रिकमेंड किया है, तो इससे बड़ा कोई प्रूफ हो नहीं सकता कि गलत होने आपने भी। थैंक यू सर, नाइस मीटिंग यू सर। तो गलत तो हम रोज होते हैं सर, रोज होते हैं। सो कई सारी चीजें रोज सीखने को मिलती है। सो आई थिंक यू शुड स्टे विद योर ओन कन्विक्शन इफ यू हैव दैट एक्सपर्टाइज, बाकी चीजें चलती रहेगी लाइफ में सर। थैंक यू अनिल सर। हेलो सर, नो मोर क्वेश्चन, टाइम डज नॉट परमिट टू एक्सटेंड आवर सेशंस बिकॉज अनदर सेशन इज लाइन अप। थैंक यू प्लीज। आप लास्ट में पूछ लेना, अलग से मैं बात करवा दूंगा आपकी, अभी आप प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू सर फॉर योर वंडरफुल सेशन अनिल सर, विकास सर। नाउ आई रिक्वेस्ट सी अमित अग्रवाल, काइंडली गिव फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू। A very good afternoon to everyone, our esteemed speaker of the day, dignitaries, distinguished guests, VIPCA members, ladies and gentlemen. It's my proud privilege to offer a hearty vote of thanks to our learned speaker, Sri Anil Singhvi and Mr. Vikas Sethi for the first technical session of our 14th annual conference. First of all, Mr. Anil Singhvi, C. Anil Singhvi sir, I must tell you that there was a huge excitement amongst our participants for hearing you live in Calcutta, and we were receiving numerous phone calls daily to confirm whether you are coming here physically or not. public logon ko vishwas nahi ho raha tha sir. It is indeed a matter of immense pride for us that C. Anil Singhvi, an eminent personality and an erudite, has kindly consented to grace this occasion and has shared his words of wisdom with us. Sir, it is beyond any doubt that your expert deliberation on the capital market, the suggestions and views have significantly enriched our participants, and they must have got a new perspective on how to approach the capital market in this shaky market conditions. I, on behalf of BHP Road Chartered Accountant Study Circle EIRC, extend a hearty vote of thanks to you, sir. As a mark of respect and conveying our sense of gratitude, I hereby call Sri Sanjay Poddar ji to please come forward and offer a memento to Sri C. Anil Singhvi ji. May I request the audience to give a standing ovation to C. Anil Singhvi ji. Thank you. In this first technical session, our second distinguished speaker, Mika Sethi, has traveled all the way from Bombay to grace this occasion and share with us his experience in the capital market. Sir, you mentioned about the golden rule of investing, how to identify good stocks,
points to be kept in mind while investing. All these points will be very much benefited to our participants. Sir, we thank you from the bottom of our heart for taking time out from your busy schedule and gracing this occasion. I request Shri Vasudev Agrawal ji to come forward and offer a memento to Mr. Vikas Sethi as a mark of our gratitude. Please put your hands together to give applause. Once again, I thank both of our learned speakers for being with us this morning, and it's been a great pleasure for all of us. We certainly look forward to another interactive session with you in the near future, sir. Now, I recognize the contribution of Nitesh Moor. Please come forward. And I request Shri R.K. Bideshwariya to present a flower bouquet to him. Okay. We shall now straightway head to the second part of the technical session, wherein eminent personalities shall enlighten as how to unlock growth in capital market. Rajesh Singhania will chair this session. Now I request past president, executive committee member to come on the dais to have a group photo. Thank you.